सर्वलोकम् इखाणा हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा सीधे हाथ में तीन बार जल लेकर आचमन कर लीजिए। ओम केशवाय नमः। जगत गुरु महाप्रभु श्री मद्वल्लभाचार्य जी की जय। सोनेनी छड़ी रूपे की मसाल, चरियन के जामा मोतियन की माल, ब्रज के अधिपति गोकुल के छत्रपति वो ब्राह्मण प्रतिपाल ने घणी खम्मा घणी खम्मा घणी खम्मा। श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी। प्रहर बनी रहो तारी दासी, चरणों मा तारा मथुरा निकासे। हो आठ प्रहर बनी रहो तारी दासी, चरणों मा तारा मथुरा निकासी। मारू घर बने हो मारु घर बने रुड़ू तन मन धन सृजना चरणों मा, तन मन धन सृजना चरणों मा। मने प्यारू लागे ते वालू लागे, मने प्यारू लागे सृजी तारुना। तन्मन्धन सृजिना चरणो मा, तन्मन्धन सृजिना चरणो मा। श्रीनाथ जे श्रीनाथ जे श्रीनाथ जे श्रीनाथ जे श्रीनाथ जे श्रीनाथ जे श्रीनाथ जी 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 श्रीनाथ जी। बोलो वल्लभाधीश की। हमारे दोनों युवा आचार्य मंच पर विराजमान हो चुके हैं एवं व्यासपीठ को सुशोभित कर चुके हैं। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं चिमनबाई फलदू मोरवी, जो कि भागवत के मनोरथी हैं, कथा के चिमनबाई फलदू मोरवी एवं सुशीला बेन कोठारी आकोला, सोनल बेन बखारिया, गंगाबाई तापड़िया।
शिवल्लभाधीश की जय। स्वागत वंदन अभिनंदन की बेला अब विराम लेती है। इसी के साथ कुछ सूचनाएं हैं। कल यात्रा में पधारने के लिए वैष्णवगण समय पर प्रस्थान करें, क्योंकि श्री गोकुल चंद्रमा जी एवं मदन मोहन जी, जो कि हमारे निधि स्वरूप श्री ठाकुर जी हैं, उनके राजभोग के दर्शन 9 बजे हो जाते हैं। इसलिए वहां पर समय पर पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। हम यहां पर दर्शनों का लाभ लेने के लिए आए हैं, अतः अपनी दैनिक क्रियाओं को समय पर करते हुए आप सभी जो है समय पर गाड़ियों में बैठने की कृपा करेंगे। इसी के साथ 28 तारीख को श्री यमुना जी का कुनवाड़ा है। इसके कुनवाड़े के निमित्त जो भी मनोरथी बनना चाहें, अपनी वित्तजा सेवा देना चाहें, वो पधरा सकते हैं, कार्यालय में जमा करा सकते हैं। इसी के साथ 29 तारीख को जिन हरिदास वर्य श्री गिरिराज महाराज के सन्मुख हम निवास कर रहे हैं, जिनकी तरेटी में हम विश्राम कर रहे हैं, ऐसे श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी का 29 तारीख को कुनवाड़ा है। इस कुनवाड़े के निमित्त जो भी मनोरथी अपनी सेवाएं लिखाना चाहें, वो कार्यालय में लिखवा सकते हैं। वैष्णव हम यात्रा में आए हैं, हमारा कर्तव्य होता है कि यहां पर हम वैष्णवों को प्रसाद लिवावें। तो जो भी वैष्णवों को प्रसाद लिवाने के मनोरथी बनना चाहें, वो भी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है कि जा ठाकुर को बीने फूल और सदा रहे कालिंदी कूल, और जा ठाकुर की करे बुहारी और कवियन जाए यम की द्वारी, और ग्वाल मंडली गोपाल जिमावे सो ठाकुर को सखा कहावे। तो ऐसे जो है भाग्यवान वैष्णव आप भी बन सकते हैं। और हमारे तो कवियों ने गाया है कि जाति जरो तन रूप जरो, धन जाए पाताल रसातल माही, और पावक में चतुराई जरो, जिनके कुल भक्ति गोविंद की नाही, और धूर परो जाके धन में, शुभ मार्ग कारज खर्चो नाही, और धिक्कार कहत हैं देव जिन्हें, जो जन श्री बल्लभ कुल की शरण में नाही। तो बंधुओं, आप सब बल्लभ कुल की शरण में आए हैं, प्रकट स्वरूप आपके समक्ष विराजमान हैं, हमारे बोलते ठाकुर हैं, तो इनके सानिध्य में हमें ये सब मनोरथ करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप श्री की कृपा से ही हम जो है यहाँ ब्रज यात्रा का आनंद ले रहे हैं, क्यों कि हमारे यहाँ तो यही मांगा गया है कि यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मनुष्य जन्म और हरिजु की सेवा, और ब्रज को बसबो होए मोए सुरलभ, वैष्णव जन को दास कहाऊं। तो बंधुओं, वैष्णवों की सेवा करना, वैष्णवों को प्रसाद लिवाना, भागवत कथामृत रस का पान करना, क्यों कि कहा गया है जब लग यमुना गाय गोवर्धन, जब लग गोकुल गाम गोसाई, और जब लग श्री भागवत कथा रस तब लग भूतल कलयुग नाई। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप ये समझना कि आप कलयुग में नहीं बैठे हुए हैं,
आप द्वापर में वही नंद यशोदा का सौभाग्य प्राप्त करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे श्री वल्लभ ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है कि हमारे घर घर में ठाकुर जी पधराकर हमें नंद यशोदा का सौभाग्य दिया है। तो ऐसे हमारे श्री वल्लभ प्रभु, इनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता भी प्रकट करें एवं आप श्री की आज्ञा का पालन भी करें। समय समय पर आप श्री की जो भी आज्ञाएं हो उनका पालन करना हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि कहा गया है कि तू आवे पग सात तो मैं आऊं पग साठ, तू बन जाए काट को तो मैं लोहे की लाठ। तो बंधुओं, आप बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ जिस प्रकार से इस ब्रजानंद महोत्सव का आनंद उठा रहे हैं, इस आनंद को अपनी सेवाएं देकर दुगनित कीजिए। इसी के साथ कथा और यात्रा दोनों का पेन ड्राइव जो है बन रहा है। जिनको भी लेना है वो कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि एक दो वैष्णवों ने मुझसे कहा था कि इसका जो है कुछ कैसेट वगैरह बनेगी क्या, तो पेन ड्राइव जो है वो बनेगी, आप जो है उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ समय की नजाकत को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि समय तो अपनी सीमा के अनुसार चलता है और आप सभी सुधी श्रोताओं को आप श्री के मुखारविंद से अभी बहुत कुछ सुनना है, क्योंकि जिस अमृत फल की आशा में आप यहाँ पर पधारे हैं मैं उसके बीच में बिल्कुल भी बाधा नहीं बनूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आपके श्री चरणों में श्री वल्लभातीश की जय। बोलो तो खरा मरवाला, श्री वल्लभातीश की। हवे मने एम लगे प्रसाद बधाए बराबर लीधो, पाछा चा पाणी ना रहो। वाह भाई वाह, ज्यां हरि दर्शन होय ने त्यां दुखे हराई जाता होय ने ठाकोर जी ना दर्शन थाता होय। कारण ठाकोर जी ए कह्युं छे, वल्लभ व्रजवासी मेरे जीवन प्राण, वल्लभ व्रजवासी मेरे जीवन प्राण, वाको कदी न विसारिये मोहे नंद बाबा की आण। पोताना पिता नी आण कोण खाय मारा वाला ठाकोर जी। कारण आ वल्लभ एने एवा वाला छे, अने एने आपणने महसूस क्या करावे छे के वल्लभ शू के छे, वल्लभ કે અમને રોજ એવું વાલું છે કે અમે કદી વૈષ્ણવને વિસારતા નથી, એટલે અમે એકલા આવતા નથી, પણ અમારા વૈષ્ણવને સાથે લઈને બધા મનોરથ કરીએ છીએ। જો વલ્લભના તો ચરણમાં લક્ષ્મી છે, પણ આપણા બધાનો થોડો થોડો વિનિયોગ થાય તો લુ કહીને કે બધા એક ઈંટ આપણી હોય ને, તો જ્યારે જ્યારે આપણે હવેલીએ જાય ત્યાં શું કહીએ, આમાં અમારો ફાળો છો। ભલે ને એક ઈંટ હોય મારા જેવાય, ખાલી 500 રૂપિયા જ આપ્યા હોય, પણ જ્યારે જઈએ ત્યારે શું કહીએ, અમે આની અંદર ફાળો। તો મારે એક નાની વાત કહી અને હું બહુ સમય નહીં બગાડું તમારો। એક ગામમાં એક કુવો ખોદાતો હતો, તો એક સંત મહાત્મા ત્યાં પહોંચ્યા, તો બધા આપણી જેમ આમ બેઠા હતા, તો બધા એ કહ્યું કે જયરાજ અમારે અહીંયા કુવો ખોદવો છે, પણ હવે આપ જેમ આજ્ઞા કરો તેમ। તો આગળ મારા જેવા એક બેઠા હતા અને એની પાછળ દલીચંદ સેઠ બેઠા હતા, એટલે દલીચંદ સેઠ ઉભા થઈ ગયા, કોઈએ કઈ ફાળાની જરૂર કરવાની નથી, હું એકલો કાફી છું, હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, સકટનો ભાર જેમ સ્વાનતાણે। જે કહ્યું સંત મહાત્માએ, ભાઈ બેસી જાઓ, આમાં મારા એક એક નો વિનિયોગ થશે ને તો એ કુવામાંથી જળ ભરવાનો એમને આનંદ આવશે। તો દલીચંદ શેઠે તો 100 રૂપિયા કાઢ્યા, પેલા આટલી 100 ની નોટ આવતી હતી ખબર છે ને મારવાલા,
પછી બાજુમાં જોયું ને તો 10 ની નોટ હતી, તો એને એમ થયું કે આમ મુઠ્ઠી કરીને દેવાનું છે, ખબર શું પડશે સંત મહાત્મા કે મેં કેટલા આપ્યા. એટલે એને 10 ની નોટ કાઢી. આ બાજુ જોયું તો એની પાસે 5 ની નોટ હતી, તો એને એમ થયું અરે રે 10 એ શું કામ દેવા જોઈએ, મુઠ્ઠી વાળીને દેવા છે તો 5 જ ના દઉં. સામે જોયું તો એના હાથમાં 1 રૂપિયો હતો, તો કે અરે આપણે 1 જ રૂપિયો દો ને. હવે જોડી ફરતી ફરતી સંત મહાત્મા પાસે આવી, ત્યારે શેઠ ને એમ કે આપણે કેટલા આપ્યા છે કોને ખબર. સંત મહાત્મા એ કહ્યું, દલીચંદ શેઠ, મારે જે વાત કરવી છે એ જાહેર માં કહું કે ખાનગી માં. શેઠ ને એમ કહ્યું કે આપડે તો વખાણ જ કરે, એટલે કે મરવાલા જાહેર માં કયો છે, તો કે તમે 1 રૂપિયો જ કેમ આપ્યો એનું રહસ્ય મારે ખોલવું છે. શેઠ તો આમ આમ ધ્રુજી ગયા હો, તો કે શું રહસ્ય, તો કે તમારા 100 રૂપિયા વ્યાજ ના હતા, 10 રૂપિયા રસ્તામાંથી મળ્યા હતા અને 5 રૂપિયામાં તમારા હિસાબમાં ભૂલ હતી, એ અમારે કામના નહોતા. 1 રૂપિયો તમારી બાએ કાંતી કાંતીને ભેગો કર્યો તો કે આ દેજે દાનમાં, તો આ 1 રૂપિયામાં અમારા કુવાને આનંદ આવશે. એમ આપણા પૈસા, આપણું દ્રવ્ય જો સારું હશે તો જ મનોરથમાં વપરાય, તો જ તપેલીમાં વપરાય, તો જ ગોવિંદ કુંજ હવેલી થતી હોય એમાં વપરાય, અને સૌથી વિશેષ તો જ વલ્લભની અંદર વિનિયોગ થાય. નહીતર દાનના 3 પ્રકાર છે, ભોગ, નાશ અને દાન. તો આપણે પછી ભોગવવામાં જશે, ઉપર વયા જશું તો નાશમાં જશે, પણ સારા કાર્યમાં તો ક્યારે જશે, જ્યારે આપણું દ્રવ્ય સારું હશે ત્યારે. તો વાલા વૈષ્ણવ, મારે બીજું કઈ નથી કેવું, વ્રજમાં આજે આનંદ કરવાનો, પરમાનંદ. જો વર વિનાની જાન હોય ને આપણે ગાતા ગાતા જોઈએ તો બધા આપણને ગાંડા ગણે, ઈ કે વરરાજા તો નથી, તો આપણે તો વલ્લભ વરને લઈ આવ્યા છીએ, એટલે આપણે તો બધા જાનૈયા છીએ. તો આપણે જાનૈયા જરાય મુંજાયા વિના આપણા તન મન ધન થી આપણા આ પ્રસંગને, આપણી આ વ્રજ યાત્રાને, આપણી આ સુખી પરિક્રમાને લીલી એટલે બનાવી છે કે આપણી સાથે વલ્લભ કુળ પરિવાર છે. ખોટી વાત છે કે સાચી, જરા કેજો ખરા, હા તો મને ખબર પડે. તો હવે વધારે હું કશું ના કહેતા, મારે કેવું છે તો ઘણું, પણ કાલે છે ને હું 3 વાગે આવી જઈશ, એટલે જે જે શ્રી પધારે ને એની પહેલા મારે 1 કલાક સુધી તમારી યારે ઘણો સત્સંગ કરવો છે, કારણ કે સત્સંગની અંદર જે આનંદ આવે ને એ બીજા સેમાય ના આવે. આપણે કરીએ સત્સંગ, અને જે જે કરાવે વચનામૃત, એ ગુણાનુવાદ, એ કૃષ્ણની લીલા, એને પરમ સૌભાગ્ય આપણે બધા માણવા જઈ રહ્યા છીએ. તો જે જેના યુગલ ચરણારવિંદમાં વિનંતી કરીએ કે રાજ હવે કૃપા કરી અને વચનામૃતનું, ગુણાનુવાદનું, કૃષ્ણામૃતનું, પ્રેમામૃતનું, રસામૃતનું, નયનામૃતનું, હૃદયામૃતનું પાન કરાવવાની કૃપા કરજો. બોલો વલ્લભા, બોલો વલ્લભા, બોલો વલ્લભા. એની શબ્દો કે સાથ હાલો 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 જબ જબ ભી આયેગા બસંત, જબ જબ ભી આયેગા બસંત, ઉપવન મે સો સો ફૂલ ખિલેંગે. જબ જબ ભી આયેગા બસંત, ઉપવન મે સો સો ફૂલ ખિલેંગે, ઓર ગીત આપ હી કે નિકલેંગે, જબ જબ મેરે અધર હિલેંગે. ગીત આપ હી કે નિકલેંગે, જબ જબ મેરે અધર હિલેંગે, ઓર ખુદાઈ જબ ભી હોગી, ઓર ખુદાઈ જબ ભી હોગી મેરે ઇસ મન કે ખંડર કી, ઓર ખુદાઈ જબ ભી હોગી મેરે ઇસ મન કે ખંડર કી. સચ કહેતા હું, સચ કહેતા હું, આપ શ્રી કી યાદો કે અવશેષ મિલેંગે. સચ કહેતા હું, આપ શ્રી કી યાદો કે અવશેષ મિલેંગે. ઇની શબ્દો કે સાથ આપકે શ્રી ચરણો મે વિનંતી હે કૃપાનાથ. બોલ વલ્લભાધીશ કી.
श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्याम ने महाराज श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्री वाग्पतये नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनकतपिशम् वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितम् श्रीगूढभावात्मकम् पुनरूपं च पुनस्तदन्तरगतम् ताविर्विशत्स्वप्रिये
संसृष्टावुभयोर्बभौ रसमय कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्रत्यात्मकं परमभि येयं सदा वल्लभम् यस्यानुकम्पावशतः सुदुर्लभम् मानुष्यमाप्तं परमस्य पुंसः सर्वार्थदं दीनदयालुमेकं गोपाललालं शरणं प्रपद्ये गोपाललालं शरणं प्रपद्ये श्री गोपाल लाल प्यारे की जय वल्लभाधीश की जय Thank you.
रसिक प्रीतम श्री वल्लभत जी के रसिक प्रीतम श्री वल्लभत जी के रसिक प्रीतम श्री वल्लभत जी के वृथाइत चित्त न चलो वृथाइत उत्न चलो सवन ते श्री वल्लभ नाम भलो सवन ते श्री वल्लभ नाम भलो वल्लभ नाम भलो सवन ते श्री वल्लभ नाम भलो सवन ते श्री वल्लभ नाम भलो चित्त ना चलो सवन ते श्री
सब नाम बलो सबन तेजी वल्लभ नाम भलो सबन तेजी वल्लभ नाम भलो सबन तेजी वल्लभ नाम भलो 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 सबन तेजी 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 वल्लभ नाम भलो वल्लभ नाम वल्लभ नाम भलो सबन तेसरी वल्लभ नाम भलो शिवल्लभाईश की जय। अखंड भूमंडलाचार्य जगद्गुरु महाप्रभु शिवल्लभाचार्य जी के अलौकिक अप्राकृत स्वरूप का हृदय में ध्यान धर आपसे केवल चरणारविंद में कोटानुकोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। एवं जिनकी यह पावन तरेटी में हम बैठे हैं ऐसे श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज श्री गोवर्धन आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। एवं मंचस्थ विराजमान जिनकी अध्यक्षता में हम यह सुंदर गजानंद महोत्सव का आनंद प्राप्त कर रहे हैं ऐसे परम श्रद्धेय आदरणीय ज्येष्ठ भातृचरण एवं यह श्री कृष्ण कथामृत यह आयोजन के मनोरथी परम भगवतीय श्री चिमन भाई फलदू जय श्री बेन उनका पूरा परिवार यह कृष्ण कथामृत के तो वह मनोरथी हैं लेकिन साथ ही साथ श्री गिरिराज जी एवं श्री अमना जी के भी सह मनोरथी बनने का उनको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एवं यह आयोजन के श्री कृष्ण कथामृत के अन्य मनोरथी परिवार परम स्नेही आत्मीय श्री सुशीला बेन कोठारी श्रीमती गंगाबाई
सोनल बहन, दीपक भाई, ये सब मनोरथी वैष्णव, इनके बड़े भाग्य हैं कि साक्षात श्री गिरिराज जी श्री वल्लभ ने इनका चयन किया और यह सुंदर आयोजन के वह निमित्त बने। विसल बजरी है, विसल बजरी, इको थोड़ा कम कर दो, विसल भी बजनी चाहिए। शिवल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्यामने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। तो ये श्री महाप्रभु जी, श्री ठाकुर जी, श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी की कृपा है कि यह सुंदर आयोजन के वह निमित्त कारण बने। सर्व मनोरथी परिवार क्योंकि यहां पे ब्रज में आते हैं, विविध मनोरथों को साथ में लेकर हम यहां पर आते हैं। और वह विविध मनोरथों में मुख्य यहां ब्रज में ब्रज यात्रा अंतर्गत श्री गिरिराज जी एवं श्री यमुना जी, ये तो मुख्य स्वरूप जो श्री ठाकुर जी की नित्य लीला के साक्षी हैं। हरिदासों में श्रेष्ठ ऐसे श्री गिरिराज बाबा और मुकुंद रति वर्धिनी, भगवान में अलौकिक रति बढ़ाने वाली, जिनके ही तट पर श्री ठाकुर जी ने अनेक आदि लीला की हैं, आप कर रहे हैं। तो ये दो मुख्य स्वरूप, साक्षी स्वरूप, और हम वैष्णवों की भावना ये रहती है कि यथा सामर्थ्य जो श्री ठाकुर जी प्रेरणा करें, थोड़ी बहुत रंजक सामग्री विनियोग आपके स्वरूप में हो, आपकी सेवा में हो। इसलिए ये ब्रजानंद महोत्सव में श्री गिरिराज जी, उनका कुनवारा 56 भोग कह सकते हैं, बाकी हमारा कोई सामर्थ्य नहीं कि उनको हम 56 भोग धराएं, लेकिन जो हम सब जन मिलके मनोरथ स्वरूप जो रंचक सेवा, क्योंकि आपका तो स्वभाव है राई भर सेवा को मानत मेरु समान, तो यह श्री गिरिराज जी एवं श्री यमुना जी के विशिष्ट मनोरथों में भी जो मनोरथी बने हैं, ऐसे सभी आत्मीय जन श्री यमुना जी के कुनवारे के मुख्य मनोरथी हमारे आत्मीय भारती बेन पटेल यूएसए, जो कथा भी श्रवण कर रहे हैं, न्यू जर्सी से पधारे हैं, तो सभी मनोरथी परिवार के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आइए प्रियजनों, श्री कृष्ण कथामृत का रसास्वादन करें। हमारी चित्त वृत्तियां श्री ठाकुर जी की लीला में परोने का प्रयास करें। शिवल्लभाधीश की जय। नंदस आत्मजोत्पन्न जाता लादु महामना, आहुय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः।
नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम् सूतमागदवन्दिभ्यो ये निविद्योपजी नंदस आत्मजोत्पन्न। यहां इस श्लोक के माध्यम से श्री आचार्य जी सुबोधन जी अंतर्गत जो श्री ठाकुर जी के प्रादुर्भाव का जो रहस्य है उसका निरूपण आप श्री सुबोधन जी में कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं नंदस आत्मज उत्पन्न। श्री आचार्य जी कारिका में आज्ञा करते हैं कि आत्मज किसे कहते हैं। ओरस पुत्र को आत्मज कहा जाता है, किसी से प्राप्त किए हुए गोद लिए हुए पुत्र को आत्मज संस्कृत में, उसके लिए आत्मज शब्द का प्रयोग नहीं होता। यहां पे श्री सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस आत्मजोत्पन्न। जब श्री नंदराय जी के यहां पे उनके आत्मज यानी उनके पुत्र का जन्म हुआ, जाता लादो महामना, इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि श्री ठाकुर जी का प्राकट्य दो स्थानों पर हुआ है। एक तो कारागृह में आपका प्रागट्य हुआ मथुरा में, और श्री यशोदा जी के भाव स्वरूप गोकुल में भी प्रभु का प्रागट्य हुआ है। कोई इस बात का विचार करे कि मथुरा में प्रागट्य हुआ, ये बात तो सबने जानी, लेकिन गोकुल में प्रागट्य हुआ इस विषय का किसी को पता न चला। श्री महाप्रभु जी समझाते हैं गोकुल में जो ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ है, प्रभु की जो योग माया है, आप माया को साथ में लेकर पधारे। माया आपकी दासी है, लेकिन उस माया के आवरण में आप छिपे हुए हैं, जिसके चलते प्रभु के प्रागट्य का ज्ञान सबको नहीं हुआ, यहां तक कि यशोदा जी को भी नहीं हुआ। भगवान ने ही माया को आज्ञा दी कि तू गोकुल में तू प्रकट हो यशोदा जी के यहां पर, यानी ठाकुर जी के पहले माया का जन्म हुआ और वहां पर प्रभु का प्रागट्य हुआ। प्रभु अपने स्वरूप को माया से छुपा के रखते हैं कि हर एक जीव आपके स्वरूप को जान न ले, और इस विषय का निरूपण श्री कुंता जी ने भी कहा है। माया जवनिका छन्न मज्ञा धूक्षज मव्ययम् न लक्ष्य से मूड दशा नटो नाट्यो धरो यथा। प्रभु आप तो अंतर बहिरवस्थितम, आप तो सर्वत्र हैं, व्यापक हैं। जो व्यापक हैं तो फिर आपके स्वरूप को जानना तो बड़ा सरल हो जाए, लेकिन हरेक जीव आपके स्वरूप को जान नहीं सकते, क्योंकि माया जव निका छन्न, आप माया के आवरण में छिपे हुए हैं। भक्ति योग विधानार्थम, जो आपके स्वरूप को हरेक जीव जान जाए तो फिर वेद में योग आदि में साधन मार्ग जो बताए हैं वह सब मार्ग विफल हो जाएंगे, सबकी मुक्ति हो जाएगी। जो सब लोग आपके स्वरूप को जान जाए तो फिर वेद के मार्ग का अनुकरण कौन करेगा। वेद मार्ग भी बताए गए हैं,
ज्ञान मर्यादा बताई गई है, तो वो सब मार्ग विफल हो जाएंगे। आप तो प्रभु किनके, कौन आपके स्वरूप को जान सकता है? कहते भक्ति योग विधानार्थम, कि जिसके हृदय में आपके लिए अहेतु की प्रीति है वही आपके स्वरूप को जान सकते हैं। और श्री आचार्य चरण ने वेणुगीत अंतर्गत भी इस विषय का निरूपण किया है। बार बार चेंज हो रही है आवाज, टोन चेंज हो रहा है आवाज बार बार। कर्णिकारम विभ्रतवासह कनक कपिशम वेजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणुरदरसुधया पूरयन गोप वृंदैहि वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्तिहि। यहां जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है कि सुंदर पीतांबर धारण किया हुआ, श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि वो पीतांबर कैसा है, कि वह पीतांबर माया का स्वरूप है। भगवान रसो वैसह रस स्वरूप हैं, और रस को छुपाने के लिए उसको छुपाना उसको ढकना ये परम आवश्यक है। तो भगवान का जो ये पीतांबर, वह पीतांबर माया का स्वरूप है। तो गोकुल में जो ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ, आप माया से ढके हुए हैं, इसलिए वह गुप्त प्रागट्य को हर एक कोई जान न पाया। लेकिन श्री महाप्रभु जी श्री भागवत पीयूष समुद्र मत नक्षम, आप तो श्रीमद भागवत के गुणार्थों को प्रकट करने वाले, और आप श्री तो यहां तक आज्ञा करते हैं कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर्वेश्वानराद वाक्पतिर, आप स्वयं आज्ञा करते हैं कि मेरे प्रागट्य का रहस्य क्या है, मेरे प्रागट्य का कारण क्या है। तो कि श्रीमद् भागवत के गुणार्थों को प्रकट करने के लिए ही मैं अवतरित हुआ हूं, ये श्री आचार्य चरण स्वयं आज्ञा करते हैं निबंध में, कि भागवत के जो मूल अर्थ हैं, गुड़ अर्थ हैं। कई लोगों ने भागवत पे टीकाएं लिखी हैं, अनवार्थ बोधनी आदि अनेक आचार्यों की टीकाएं हैं, लेकिन उन टीकाओं में और महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी की टीका में भेद, श्री आचार्य चरण ने भागवत के जो मूल और गुड़ अर्थ हैं उन अर्थों को प्रकट किया, और अन्य आचार्यों ने उन्होंने अपनी मति, अपने ज्ञान, अपनी धारणा, अपने विचार के अनुसार भागवत के गुण अर्थों को प्रकट किया, ये भेद है। एक अपनी कोई मान्यता धारणा बनाकर किसी विषय की टिप्पणी करनी और एक मूल उसके अर्थों को प्रकट करना, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अद्भुत ग्रंथ, और उसके हरेक अध्याय में हरेक श्लोक में जो उसके अर्थों का विचार किया जाए तो सार क्या है, जैसे अंत में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान ने अनेक धर्मों का निरूपण किया, अर्जुन अब तो बड़ा और संशय में आ गया, प्रभु मैं क्या करूं, कितने कितने धर्म, कौन से धर्म का पालन करूं, सब धर्मों का पालन करना तो बड़ा कठिन है, तो आप आज्ञा करते हैं सब धर्मों को छोड़ मेरी शरणागति, ये मूल है। यानी श्रीमद् भगवत गीता जी के 18 अध्यायों में भी 700 श्लोकों में भी कृष्ण वाक्यानि, कृष्ण वाक्यों में यही सार है क्या, शरणागति भक्ति। लेकिन आजकल उस गीता पे अलग अलग सेमिनार होते हैं, उस पे से पूरा मैनेजमेंट ने, प्रेजेंटेशन ने, पता नहीं लोग बुद्धिजीवी क्या क्या नहीं करते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ,
मूल अर्थ क्या है? भक्ति। लेकिन लोग अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी धारणा, उसके अनुसार कुछ उसमें से मैनेजमेंट देख लेते हैं, कुछ कोई देख लेता है, कुछ कोई देखता है। तो एक अपने ज्ञान, अपनी धारणा, अपनी समझ, उसको लेकर भागवत पर टीका करना, और एक भागवत का मूल जो अर्थ है उस अर्थ को प्रकट करना। तो भागवत का जो मूल अर्थ है वो अर्थ केवल और केवल आचार्य श्री वल्लभ ही जानते हैं, और इसका अर्थ कोई जान ही नहीं सकता। क्योंकि आप साक्षात वाक्पति हैं, आप वैश्वानर हैं, श्री कृष्णास्यम दयानिज महात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकार ही। श्री ठाकुर जी के ही आस्य मुखारविंद वाणी स्वरूप यानी आचार्य श्री वल्लभ। बाकी मायावाद का खंडन करना, अन्य भी कई कार्य हैं श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य के, लेकिन सब विशेष कार्य जिस कार्य को आप स्वयं कह रहे हैं वैश्वानराद वाक्पते, के भागवत के गूढ़ अर्थ को प्रकट करने के लिए ही मैं इस धरा पर अवतरित हुआ हूं। इसका मतलब कि ये श्रीमद् भागवत कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए तो इसको यद वैष्णवानाम धनम, श्रीमद् भागवत पुराण तिलक, इसको तो सभी पुराणों का तिलक कहा गया है। तो श्री महाप्रभु जी के अलावा ये जो भागवत गुण, क्योंकि इसके श्रीमद् भागवत के मुख्य वक्ता भगवान स्वयं है, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, तो भगवत वेद वाणी और वह वाणी को वाक्पति स्वरूप, वाणी स्वरूप श्री महाप्रभु जी ने ही उसको अर्थों को प्रकट किया, क्योंकि आप ही उस विषय को जानते हैं। यहां पर आत्मज शब्द से श्री आचार्य चरण के यशोदा जी के यहां पर भी श्री ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ है, और जब मथुरा से जो स्वरूप पधारे और यहां जा जो स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ गोकुल में, फिर दोनों स्वरूप एक हो गए। और गोकुल में प्रागट्य हुआ उसका एक दूसरा कारण, दूसरा प्रमाण भी आप श्री बताते हैं कि जब माया ने कंस को समाचार दिया कि तुझे मारने वाले का जन्म कहीं हो चुका है, इसका मतलब यह हुआ कि मथुरा के अतिरिक्त भी कहीं श्री ठाकुर जी का प्रागट्य है, जो केवल और केवल मथुरा में ही भगवान का प्रागट्य होता तो माया क्या कहती, तुझे मारने वाला कहीं चला गया है, लेकिन तुझे मारने वाले का जन्म कहीं हो चुका है। ये दूसरा प्रमाण है कि गोकुल में भी श्री ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ है। और इसीलिए तो जाता लादो, जब ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ, प्रागट्य के साथ ही जाता लाद ऐसा आनंद प्रकट हुआ। सुखदेव जी ने 18 श्लोकों में बड़ा अद्भुत वर्णन किया। श्री आचार्य चरण तो यहां तक आज्ञा करते हैं कि इन 18 श्लोकों में वर्णन किए हुए आनंद का एक कण भी अनुभव जो हम जीव कर पाए तो समझ लो कि भागवत के 18,000 श्लोकों को तुमने समझ लिया, श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय को तुम जान लिए। ये 18 श्लोकों में वर्णित जो आनंद है वो आनंद की एक कणिका का अनुभव भी जो हम कर पाए। आनंद जब भीतर से प्रकट हो तो जाता हलाद, आनंद किया तो कृतहलाद, कल हमने आनंद लिया तो नितहलाद। लेकिन आनंद जब अंदर से प्रकट हो जाए जाता हलाद,
और आनंद स्वरूप श्री ठाकुर जी हैं। आनंदौ ब्रह्मेति, ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। देखिए इस मंगलाचरण में भी आनंद ये ब्रह्म का एक नाम है और उसके साथ सत्चित जोड़ दिया जो उसका विशेषण है। आनंद यानी ब्रह्म, कृष्ण कहो, आनंद कहो, परब्रह्म कहो, सत्य कहो, ये सब ब्रह्म के ही अनंत नाम हैं। सत चित आनंद, आनंद के आगे सत और चित, ये दो विशेषण हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान आनंद है, आनंद स्वरूप है, और भगवान का जो आनंद है वो सत्य है, यानी सत्य है। भगवान के अतिरिक्त जो आनंद है वो सत्य नहीं है। जैसे पत्नी में से, पुत्र में से, परिवार में से, स्वजनों में से, धन में से, पदार्थों में से, रसों में से मिलता हुआ आनंद, आनंद उसमें से भी मिलता है, ऐसा नहीं कह सकते कि आनंद नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बात को हमें जान लेना चाहिए कि वो आनंद आनंद है, लेकिन वो आनंद सत्य नहीं है। क्योंकि जिस वस्तु से, पदार्थ से, रसों से आनंद की अनुभूति होती है, समय चलते ही वो सत्य बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल, कोई वस्तु से अच्छे खाने पीने का अपन को शौक है, मिठाई खाने का शौक है, नमकीन खाने का शौक है, या तीखा खाने का शौक है। अब वो शौक के चलते वो खाता है, उसको आनंद आता है। लेकिन वही वस्तु से ये भी संभव है कि भी उसके साथ बीमारियां भी जुड़ती जाएं, बीमारियां भी बढ़ती जाएं। फिर डॉक्टर कहेगा भाई ये सब में कंट्रोल करो, शुगर कम करो, खाना मीठा खाना कम करो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी, लेवल गड़बड़ हो जाएगा। यानी जो आनंद आपको उसमें से मिल रहा था, इसका मतलब क्या हुआ? वो आनंद सत्य नहीं है। आनंद सत्य निरंतर होना चाहिए, उसी को आनंद कहा जाता है। तो वस्तु व्यक्ति में से मिलता हुआ आनंद, वह आनंद निरंतर नहीं है। तो भगवान का आनंद सत्य और साथ ही साथ ब्रह्म आनंद वो कैसा है? चित्त, यानी चित्त यानी चैतन्य, यानी भगवान का आनंद चैतन्य है, संसार का आनंद जड़ है। इसलिए सच्चिदानंद। और जब वह आनंद का प्रागट्य गोकुल में हुआ, ऐसा स्वतः आनंद प्रकट हुआ नंद राय जी के मन में, महामनः आहुय विप्रान वेद, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया गया, संस्कार आदि किए, उनका दान पुण्य किया, लौकिक रीति से ही उत्सव नहीं मनाया, अलौकिक प्रकार से उन्होंने उत्सव मनाया, शास्त्र विधि के अनुसार वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर अलंकार धारण किए, आपने अपने आप को तो शुद्ध किया ही, लेकिन साथ साथ ब्राह्मणों को 200,000 गाय रत्न समूह सहित जरी के वस्त्र, 7 तिलों के पर्वतों का दान, वस्त्र तिल रत्न आदि अनेक वस्तुएं दान में देकर धन की भी शुद्धि करी। स्नान के द्वारा तन की शुद्धि होती है, दान के द्वारा धन की शुद्धि होती है, स्मरण के द्वारा मन की शुद्धि होती है। यानी देह शुद्धि की और साथ में धन की भी शुद्धि करी।
गोप्यश्च कर्ण मुदिता यशोदायः सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयाश्चक्रुर्वस्त्राकल्पाजनादिभिः। ये एक श्लोक में श्री आचार्य जी ने बड़ी सुंदर इसका गुढ़ार्थ भावार्थ आपने प्रकट किया। गोप्यश्चा कर्ण मुदिता यशोदायाः सुतोद्भवम्, जब गोपियों ने सुना अपने श्रवणेन्द्रियों के द्वारा कि यशोदायाः सुतोद्भवम्, यशोदा जी के यहां पे सुत, उसके यहां पे लाला का जन्म हुआ। आत्मनाम भूषियाश्चक्रुर वस्त्रा कल्पा जनादिभिः, सुनते ही इतनी आनंदित हो गई, सुनते ही आनंद भयो, अपने यहां पे बधाई में आता है। जो आनंद ग्वाल बालों को लाला के दर्शन करके प्राप्त हुआ, लेकिन गोपी जनों ने तो जब ये श्रवण किया कि आज यशोदा के यहां पे लाला का जन्म हुआ, सुनते ही आनंद भयो, और क्या किया उन्होंने, आत्मानं भूषयाश्चक्रुर वस्त्राकल्पा जनादिभिः, अपने आप को सुशोभित करने लगी, श्रृंगारित करने लगी ठाकुर जी को मिलने के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए। अब यहां पे प्रश्न ये होता है, सुशोभित करना, श्रृंगार, ये तो शरीर का होता है, और यहां पे शब्द का प्रयोग किया गया आत्मानं भूषयाश्चक्रुर। श्रृंगार तो देह का होता है और शब्द है आत्मा। श्री आचार्य जी इसका रहस्य बताते हैं कि जब गोपियों ने सुना कि यशोदा जी के यहां पे लाला का जन्म हुआ, और ये गोपियां कोई साधारण स्त्री थोड़ी है, ये तो श्रुति रूपा है, वेद की ऋचाएं हैं, इतनी आनंदित हो गई, प्रभु को मिलने के लिए इतनी तत्पर हो गई, अपने देह को तो अलंकृत किया, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में यह भाव भी जागृत हुआ कि सहस्त्र परिवत्सर करोड़ों वर्ष हो गए हम उनसे बिछड़े, और आज अब तो मिलन की घड़ी आई है, और ये यशोदा, ये उनके लालन, ये कृष्ण, ये केवल देह के पति नहीं, ये तो आत्मा के सच्चे पति भी तो यही हैं। पालयति इति पति ही, जो पालन करे उसको पति कहा जाता है। संसार के जो पति, ये तो लौकिक पति कहे जाते हैं नाम के, वास्तव में पालन करने वाले कौन हैं? ये देह, ये शरीर, इसका पालन कौन करता है? भगवान ने हमको जन्म तो दिया, लेकिन जन्म के साथ जीवन जीने की कितनी कितनी व्यवस्थाएं भी तो दी है, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये नक्षत्र, ये तारे, ये नदियां, ये समुद्र, ये पृथ्वी, ये पेड़, ये पौधे, कितनी नाना प्रकार की योनियां, पशु पंखी, ये भी तो कहीं हमारे जीवन जीने में सहयोगी तो हैं, इनके बिना भी हमारा जीवन कैसे है? खाली पैसों धन से जीवन थोड़ी जिया जा सकता है। जीवन जीने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल है, वो देने वाले श्री कृष्ण हैं। इसलिए वास्तविक रूप में हमारे पति कौन हैं, जो हमारा पालन कर रहे हैं, वो हैं श्री कृष्ण। तो गोपियों के मन में ये भाव कि ये केवल हमें अपने शरीर को ही उनको समर्पित नहीं करना, लेकिन हमें तो हमारी आत्मा का भी समर्पण भगवान को करना है, क्योंकि आत्मा के सच्चे पति वही हैं। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, गोपियों के अंदर ये जो भाव जागृत हुआ, इसी को आत्मा का श्रृंगार कहा जाता है। ये आत्मा, ये भाव हमारे अंदर, ये जो भाव आ जाए हृदय में, अंतरकरण में, हम जो ब्रह्म संबंध लेते हैं, ये ब्रह्म संबंध क्या है? करोड़ों वर्ष हो गए प्रभु हम आपसे बिछड़े, आपसे बिछड़ने के बाद जो तापार्थी होनी चाहिए वो भी मेरे अंदर नहीं, ऐसा मैं जीव, क्योंकि आपसे बिछड़ने के बाद लौकिक वस्तुओं में अहंता ममता संसार में मुझे घेर लिया, मैं मेरे के चक्कर में मैं फंस गया,
जिसके चलते आपके लिए जो आनंद, आपका जो ताप, वो मेरे अंदर नदारत है। लेकिन आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी, पुनः अपनी ओर खींचा, अपनी शरण में लिया। हे नाथ, अब ये जो अहंता ममतात्मक मेरा जो संसार है, जिसको मैं अपना मान चुका हूं, मेरा मानता हूं, वास्तव में ये मेरा है ही नहीं, तो इन सब वस्तुओं को, मेरे घर परिवार शरीर इंद्रिय मन अंतकरण धन आदि, ये सब कुछ प्रभु मैं आपको समर्पण करता हूं, निवेदन करता हूं। जब आप हाथ में तुलसी दल रखकर गुरु के सन्मुख, जो गुरु आपको ये निवेदन करवाते हैं, ये आत्मनिवेदन क्या है? ये आत्मनिवेदन, ये आत्मा का श्रृंगार है, क्योंकि ठाकुर जी के आगे तो सुशोभित होकर ही जाना चाहिए, अलंकृत होकर ही जाना चाहिए। और वह अलंकार केवल बाह्य नहीं, आंतरिक श्रृंगार ये परम आवश्यक है। बाहर से कितना ही मेकअप लगा लो, लेकिन अंदर मन बदसूरत होगा। ठाकुर जी के विराजने का स्थान तो मन है ना, मन ना मंदिर मा, प्रभु कहां विराजते हैं? याद आई वो तो एक लाइन, मारा घट मां विराजता श्री महाप्रभु, मारू मनडू छे गोकुल वन रावण मारा प्राण, मारा घट मां, क्या घट मां, घट एटले मन, विराजता श्री नाथ जी यमुना जी जी महाप्रभु जी, हे मारा घट मां विराजता श्री नाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी, मारा घट मां विराजता श्री नाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी, हे मारा घट मां विराजता श्री नाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी, मारु मन डूजे गोकुड़ वन रावण, मारु मन डूजे गोकुड़ वन रावण मारा तन तुलसी की माला नहीं है, उसके द्वारा कोई भी किए हुए सत्कर्म कभी भी फलित नहीं होते। ऐसा नहीं बाजार में से लाकर पहन लिया, तुलसी की माला पहन ली, चलो हो गया, नहीं। जब तक गुरु के द्वारा वह तुलसी नहीं मिलती, तब तक वह माला, वह तुलसी, हमारे किए हुए सत्कर्म, वह फलीभूत कदापि नहीं होते। और कंठी बिना तो एक पग भी चलना नहीं चाहिए, श्वास भी नहीं लेना चाहिए। आज तो बड़ी है निगोड़ी फैशन, कंठियां तो चुभने लग गई लोगों को, अच्छा नहीं लगता है, छुपाते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ये कोई छुपाने लिए, हाँ हमको चलो प्रकट नहीं करना है, लेकिन बाहर जाते हैं तो यूं कई लोग निकाल देते हैं, फिर हाथ में बांध लेते हैं, अलग अलग जीव की अवस्थाएं देखते हैं। अरे तुलसी,
जब शरीर में से प्राण निकल जाए ना तब कंठी अलग होती है, बाकी तब तक तो, और जिसके शरीर में कंठी नहीं है वो तो जीवंत नहीं है, वो तो मुर्दे के समान है, वो मुर्दा। तुलसी की कंठी बिना का तन शरीर, वो शरीर नहीं। तो तनना आंगणियामां तुलसी ना बने એટલે આ ગુરુદ્વારા મળી એ કંઠી, અને પછી મારા ઘટમાં એટલે કે મારા મન રૂપી જે ઘટ છે શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી અમનાજી શ્રીનાથજી, મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથ મહાપ્રભુજી, મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમનાજી મહાપ્રભુજી, મારા આત્મના આંગણે શ્રી મહાકૃષ્ણજી, મારા આત્મના આંગણે શ્રી મહાકૃષ્ણજી, મારી આંખો વિશે ગિરધારી રે હરી, મારી આંખો વિશે ગિરધારી રે હરી, મારું તન મન કયું છે જેને વારી દેવારી, મારા શ્યામ હે મારા બિરાજતા શ્રીનાથજી યમનાજી મહાપ્રભુજી, क्योंकि मन ही प्रभु के विराजने का स्थान है। मन ये मंदिर है। घर में कितना ही अच्छा बड़ा कमरा ठाकुर जी के लिए निकाल लो, अच्छा मंदिर सिद्ध करो, लेकिन जो ये मन रूपी घट, ये मंदिर को जो शीशम अलंकृत नहीं किया तो फिर ठाकुर जी कभी नहीं विराजते। श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, विषयाक्रांत देहा नाम नावेशः सर्वथा हरि, जिसका मन हृदय विषयाक्रांत है श्री ठाकुर जी के कृपा अनुभव उस जीव को कभी नहीं हो सकते। इसलिए आवश्यकता क्या है प्रियजनों, मन को सुशोभित करने की, मन को अलंकृत करने की। और ये हमारे लिए, हमारे द्वारा लिया हुआ ये जो ब्रह्म संबंध, जो गुरु हमें ब्रह्म संबंध करवाते हैं, आत्मनिवेदन करवाते हैं, ये आत्मनिवेदन क्या है, ये आत्मा का आभूषण है। प्रभु मन की सुंदरता देखते हैं। आप देखो शबरी देख लो आप, कौन सी सुंदर थी, लेकिन उसका मन बड़ा ही सुंदर था। श्री ठाकुर जी पधारे, कुब्जा के मनोरथ पूरे किए, किशोरी बाई ऐसी ऐसी बीमारी, सब लोगों ने किनारा कर दिया, सब भाग गए। अब तो वो बहन भी सेवा करने वाली, वो भी अब क्या करूं, ये माथे पड़ी ऐसी हालत, सब दूर भागे, उसके पास में आने के लिए कोई तैयार नहीं। लेकिन वहां पे उसका मन के भाव, उनके हृदय में रहा हुआ प्रीति, श्री अमनाथ जी के लिए प्रतिनिष्ठा, ज्यादा बोल भी न पाए तो केवल एक आदेश श्लोक का पठन पाठन करे, और वो मन की सुंदरता, वो भाव के चलते श्री ठाकुर जी, श्री अमना जी, श्री गुसाई जी तीनों ने, अरे किशोरी तेरे तो बड़े भाग्य हैं, तेरी सेवा साक्षात श्री यमुना जी कर रही है, साक्षात श्री यमुना जी उनकी सेवा करने के लिए पधारे। सब लोगों ने किनारा कर लिया, कोई पास में नहीं, लेकिन मन की सुंदरता, यानी मन में दैन्य भाव रखना, अहमता ममता से निवृत्ति, ये आत्मा का आभूषण है। यानी गोपियां कैसे गई, आत्मानं भूषयाश चक्रुर, केवल ये हमारे देह के नहीं अपितु ये तो हमारे आत्मा के भी पति हैं।
हमें हमारी आत्मा का भी समर्पण इनको करना है। ये भाव इसको आचार्य जी आत्मा नाम विश्वास चतुर्थ कहते हैं। अद्भुत ब्रज का आनंद, जब श्री वल्लभ की कृपा हो जाए प्रियजनों, तो वो जो ब्रज का आनंद जो है उस आनंद का अनुभव जीव कर पाता है, जैसे सूरदास जी ने किया। ब्रज भयो महरी के पूत जब यह बात सुनी, सुनी आनंद सब लोग गोकुल गुनित धुनी। नंद उत्सव में पहुंच गए, सामने सब लीलाएं हो रही है, और फिर तो श्री आचार्य जी कहें कि अब सूर आगे कहवे कि नहीं, सुन सूर सबन की यह गति, जे हरि चरण भजे। श्री महाप्रभु जी के वचन है ये, आचार्य जी की आज्ञा है ये लाइन, ये पंक्तियां आपसी के मुखारविंद से प्रकट हुई। जो श्री महाप्रभु जी के बताए हुए रीत से जे हरि चरण भजे, सुन सूर सबन की यह गति, जो आनंद तुको मिल रो है वाकू भी यही आनंद मिलेगो, ये श्री महाप्रभु जी के वचनामृत हैं। वल्लभस्य हितं वचः। पुष्टि मार्ग के प्रियजनों, दो फल हैं, एक है नंद उत्सव का आनंद और दूसरा है रास में प्रवेश। आचार्य चरण ने सुबोधनी में यह बात बताई, हमारे संप्रदाय हमारे मार्ग का परम फल क्या है, एक तो नंद उत्सव का आनंद और रास लीला में प्रवेश, रास के दर्शन, रास का अनुभव, और शिवल्लभ की कृपा होती है अवश्य ही उस जीव को। आप वार्ता जी में देखें अनेक ऐसे भक्त भगवदीय वैष्णव, तुम शरणागत आयो शिवल्लभ, तुम शरणागत आयो, अखिल लीला प्रगट दिखाई, सेवा सुख ही बतायो, तुम शरणागत आयो, तो अखिल लीला प्रगट दिखाई। तो जब शिवल्लभ की कृपा हो प्रियजनों, तो ये दो परम फल की प्राप्ति अवश्य उस जीव को प्राप्त होती है। ऐसा आनंद सूरदास जी को प्राप्त हुआ, ऐसा आनंद ब्रज भक्तों ने प्राप्त किया। आनंद में कई दिन निकल गए, नंदोत्सव के उपरांत गोकुल की रक्षा करने के लिए नंदराय जी ने गोप गणों को नियुक्त कर दिया, और फिर नंदराय जी कंस का वर्ष भर का जो कर था वो चुकाने के लिए मथुरा पधारे। देखिए इस लीला का तात्पर्य क्या है, श्री आचार्य जी आज्ञा करते हैं सुबोधनी में कि गोकुल माने इंद्रियां, गो यानी इंद्रिय, कुल यानी समूह, यानी गोकुल यानी इंद्रियां और गोप का अर्थ है मन। जब आप अपने इंद्रियों को पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय, इन ज्ञानेंद्रिय कर्म इंद्रियों को मन के भरोसे आपने छोड़ दिया, तभी अविद्या रूप पूतना आ जाएगी। इंद्रियों को मन के भरोसे न छोड़े, मन तो विषय वासना से रचा पचा हुआ है, दस ये जो इंद्रियां उसके ऊपर ये ग्यारहवां मन यानी गवर्नर, और ये बड़ी विशिष्ट इंद्रिय है मन, इसलिए कहा कि इंद्रिय देह से बड़ी इंद्रिय, इंद्रिय से बड़ा मन, मन से बड़ी बुद्धि, बुद्धि से बड़ी आत्मा, आत्मा से बड़े परमात्मा। मन का अर्थ है जो संकल्प विकल्प करे वो मन। भगवान हमसे हमारा मन चाहते हैं, मय्येव मनाद्यस्थ, तू मेरे मन वाला हो जा, तू मेरे में मन लगा, मई बुद्धि निवेशय, तेरी मन बुद्धि का निवेश तो मुझ में कर दे। जो संकल्प विकल्प करे वो मन, और भगवान को मन का समर्पण करने का अर्थ हुआ
कि प्रभु को पसंद आए उस अनुसार संकल्प करने चाहिए। गुजराती मां कहिए तो गमे तेवा संकल्प न करवा, गमे तेवा संकल्प करवा। गमे तेवा नहीं, आज मारे आ करवानु, आजे फलानु फलानु ठीकणु, ये नहीं। प्रभु ने गमे एवा संकल्प करवा, इसको मन का संकल्प कहा जाता है, मन का समर्पण कहा जाता है। तो नंदराय जी ने गोप गणों के भरोसे गोकुल को छोड़ दिया। आप तो मथुरा पधारे और पीछे से क्या हुआ, पूतना आ गई, हजारों बालकों को विष पिलाती हुई। श्री महाप्रभु जी ने पूतना को अविद्या स्वरूपा बताया है। अन्यान्य आचार्यों ने अलग अलग इस जो श्री ठाकुर जी की ये जो लीला है यहां पर उसके भिन्न भिन्न भाव प्रकट किए हैं कि जब पूतना का गोकुल में प्रवेश हुआ, गोकुल में आई, नंदालय में उसने प्रवेश किया, तब भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। और उसके भिन्न भिन्न कारण अन्य आचार्यों ने बताए। कोई कहते हैं कि ये भगवान मन में सोचने लगे कि अभी तो हमारा यहां पे जन्म हुआ है और गोकुल में तो हम माखन मिश्री आरोपने के लिए आए हैं और ये तो विष पिलाने के लिए आ गई। विष पिलाने का काम, विष पीने का काम तो शिवजी का है, तो आंखें बंद करके शिवजी को याद कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि ये शिशु लीला कर रहे हैं कि जैसे कोई बालक अनजाने को देखकर आंख मूंद लेता है, तो भगवान ने भी पूतना को देखकर आंखें मूंद ली, बंद कर दी। किसी ने कुछ श्री आचार्य जी आज्ञा करते हैं कि प्रभु ने नेत्र क्यों बंद किए, क्योंकि ये पूतना अविद्या है और भगवान की दृष्टि वो ज्ञान स्वरूपा है। ज्ञान के आगे अज्ञान टिक नहीं सकता, और जो दृष्टि से ही पूतना का उद्धार हो जाएगा तो फिर ये जो मनोरथ लेकर आई है वो कैसे पूरा होगा। तो इसलिए आपने अपने नेत्र को बंद कर दिया। तो ये अविद्या, यानी अविद्या का मतलब क्या हुआ, अज्ञान। और ये जब पूतना ब्रज में आई तो हजारों शिशुओं को विषपान कराते कराते आ पहुंची, यानी ये अविद्या से समग्र जगत व्याप्त है। जगत में रहने वाले जीव ये संसार रूपी अविद्या से, अविद्या रूपी पूतना, अज्ञान रूपी पूतना ने सबको विष पिलाया हुआ है। अज्ञान कौन सा अज्ञान, सबसे बड़ा अज्ञान है स्वरूप का अज्ञान। हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है। पृथ्वी पे मानव योनि रूप जो हमें प्राप्त हुई है, इस विषय में तो बारंबार हम सुनते आए हैं, दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ योनि है। इस बातों को भी हजार बार सुनकर आए हैं कि 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ ये मानव योनि है। इस बात को भी हम जानते हैं कि क्षण भंगुर है। तो इस बात का चिंतन करना भी परम आवश्यक हो जाता है कि इतना क्षणभंगुर दुर्लभ मानव जन्म जो हमारे कर्म प्रारब्ध प्रयास से प्राप्त नहीं हुआ, केवल ईश्वर कृपा से जो हमको मिला है, तो ये योनि प्राप्त होने के पीछे का कारण क्या है। इस बात का चिंतन जो मननशील व्यक्ति है, इस बात का चिंतन करता है, चिंतन करते रहो प्रियजनों, आत्म मंथन होना चाहिए। जिस प्रकार से समुद्र बाहर से तरंगवत होता है, लहरें एक के बाद आती ही रहती है, लेकिन जब आगे जाकर आप देखो तो बड़ा ही शांत, गहरा, अगाधता और एक प्रकार की गंभीरता उस सागर में दिखाई देती है, है कि नहीं, बोलो तो सही, गंभीरता दिखाई देती है कि नहीं। बाहर से कैसा है, तरंगवत, एक के बाद ऊंची नीची बड़ी लहरें आती रहती हैं, चंचलता दिखाई देती है, लेकिन आगे चलकर उसमें गंभीरता, गहनता,
उसी प्रकार से अध्यात्म मार्ग में चलने वाला जीव संसार में रहता है सागर की तरह। हाँ, बाहर से स्वजन है, परिजन है, सबसे मिले जुले व्यवहार को साधना करना, ये सब बातें ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात का चिंतन करता है, विचार करता है, उसके मन में एक प्रकार की गंभीरता करने में निकल गया। क्या इन चिंतन करने के लिए मुझे ये मानव योनि प्राप्त हुई है? क्या भोग भोगने के लिए मुझे मानव जन्म मिला है? जो भोग भोगने के लिए ही योनि देनी होती तो फिर कोई भी योनि मिल सकती थी, क्योंकि 84 लाख ये सबरी योनि में भोग तो सहज मिल जाता है। लेकिन ये मनुष्य योनि, ये भोग योनि नहीं, इसको कर्म योनि कहा जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में आप कहते हैं भगवान स्वयं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हम सबका अधिकार कर्म पर है। तो सुबह से शाम तक और कर्म कर्म एकतस्य देवस्य सेवा, कृष्ण सेवा सदा कार्य। जगन्नाथ जी भगवान कहते हैं कि कर्म एक तस्य देवस्य सेवा, श्री कृष्ण की सेवा यही मुख्य प्रधान कर्म है। श्री महाप्रभु जी के शब्दों में कृष्ण सेवा सदा कार्य, एकमात्र हम वैष्णव का कार्य श्री कृष्ण सेवा है। देवताएं भागवत में कहते हैं मुकुंद सेवो पैगम स्पृहाइना, ये मानव जन्म केवल और केवल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए ही हमें मिला है। और जो सेवा करे बिना ऐसे ही जीवन व्यतीत हम सब का हो रहा है, तो फिर ध्यान दीजिए, ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ हमने निकाल दिया। गायो न गोपाल मन लाग्यो न रसाल, लीला सुनी न सुबोधनी न साधु संग पायो है। गायो न गोपाल मन लाग्यो न रसाल, लीला सुनी न सुबोधनी न सारु संग पायो है। रसिक कहे वारम वार लाज हो न आवे तो है, मानुष जन्म पायो है कहां लो कमायो है। मानुष जन्म प्राप्त करके तूने क्या कमाया? तो मुकुंद से वो पैगम स्पृहाइना, यानी मननशील अध्यात्म पे चलने वाला प्रियजनों जी, इस बात का चिंतन सुबह से शाम तक, आज मेरा पूरा दिन किस विषय का चिंतन करते हुए किस कार्य में निकल गया, सागर के जैसी गहनता, भगवान ने पूतना अविद्या उसके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए नेत्र आपने बंद कर दिए। सुंदर रूप धारण करके आई, कोई उसके स्वरूप को जान न सका। श्री आचार्य जी आज्ञा करते हैं कि पूतना अविद्या का स्वरूप है और अविद्या पंच परवा होती है, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति। अज्ञान पंच परवा है, पांच प्रकार हैं अज्ञान के। एक देहाध्यास, मैं एक शरीर हूं और अपने आप को केवल शरीर मानकर शरीर की इच्छाओं को, उसके कोड को पूरे करते जाना, इसको देहाध्यास अज्ञान कहा जाता है। अज्ञान का दूसरा, अविद्या का दूसरा पर्व है इंद्रियाध्यास। जब पूतना नंदालय की ओर जा रही थी, उस समय चलती चलते उसके केश, उसके केश में जो जुड़े जो पुष्प लगे हुए थे, वह पुष्प नीचे बिखरते जा रहे थे, वो उसमें से ऐसी सुगंध आ रही थी, उस सुगंध उस मकरंद में जो ग्वाल बाल उसके पीछे पीछे चलने लगे और कहने लगे, अरे इसके अंदर से कितनी सुगंध आ रही है।
ये इंद्रियाध्यास है। ये इंद्रियां विषयों के पीछे भागती रहती हैं। इंद्रियों की वृत्ति है, कान की वृत्ति सुनना, आंख की वृत्ति देखना, हाथ की वृत्ति स्पर्श अनुभव करना, जिह्वा की वृत्ति स्वाद लेना, ये सब इंद्रियों की वृत्तियां हैं। और ये इंद्रियां निरंतर ये वृत्तियां करते ही रहते हैं। अब हमें इन इंद्रियों को किस वृत्तियों में लगाना है? जैसी वृत्तियों में ये इंद्रियां लगेगी, मन पर ही ऐसा रंग लगता जाएगा। अब ये इंद्रियों की वृत्तियों को जब हम कृष्ण रूप में लगा दें, कृष्ण में लगा दें, तो हमारा मन भी धीरे धीरे कृष्ण रूप हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है। और ये इंद्रियों की वृत्तियों के चलते ही, अपनी इच्छाओं की पूरी करने के चलते ही, लोभ दूर भागता रहता है। कई बार पूछते हैं कि भाई सेवा करते हो, सत्संग करते हो, कि नहीं समय नहीं मिलता, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। इंद्रियों की वृत्तियों के चलते जीव समय नहीं निकाल पाता, ये अज्ञान। इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति, इन पंचाध्यास का श्री महाप्रभु जी ने आगे वृंदावन की जो प्रभु की पौगंड लीला है, उन लीलाओं पर भी बड़ा विस्तार से इसका निरूपण किया है। हम जब कथा के उस अंग पर पहुंचेंगे तब उन विषयों को और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहां पर यह अविद्यारूपी पूतना उसके मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने अपने नेत्र बंद किए, पूतना ने भगवान को दुग्धपान कराया, विषपान कराया। भगवान तो कहते ही हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति, जो भी जीव जैसी भी भावना के साथ मेरी शरण में आता है मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो भगवान ने दुग्धपान भी किया, विष का भी पान किया और साथ ही साथ उसके प्राणों का भी आकर्षण करने लगे, क्योंकि सबके प्राणपति तो आप ही हैं। पूतना बड़ी घबराई, मुच्यताम मुच्यताम एष, मुझे छोड़ दे छोड़ दे। लेकिन भगवान का काम है पकड़ना, जिसको एक बार पकड़े उसको छोड़ते नहीं है, ये भगवान का स्वभाव है। और ऐसे प्राण कर्षण किए, धड़ाम करके पूतना नीचे गिरी, पूतना का आपने उद्धार किया। सब गोकुल के प्राण जीवन धन, सब गोकुल के प्राण जीवन धन, बेरन के उजार, बेरन के उजार, तेरो चिर जियो रज आ रज ला
दोष जंजाल रानी तेरो चिरजे सभी गोपियों ने आशीष दिया, प्रभु की नजर उतारी गई और ठाकुर जी को पलना में बुढ़ाया। नंदराय जी ने आकर देखा, पुतना के उस अवस्था को देख आपके उसके शरीर के अलग अलग हिस्से कर उसका अंतिम संस्कार किया। और जब पुतना का अंतिम संस्कार हुआ तो उस चिता में से ऐसी सुंदर मकरंद, ऐसी सुगंध फैली। वह सुगंध पूरे ब्रजमंडल में सुवासित हो गई, फैल गई। देखिए कथा का सार क्या हुआ। पूतना यानी अविद्या, अज्ञान। ये अज्ञान, ये अविद्या, जब अज्ञानी जीव श्री ठाकुर जी की शरण में आ जाता है और श्री ठाकुर जी की कृपा से ही उसके अज्ञान की निवृत्ति हो सकती है। जो इंद्रियां हमारी अज्ञान के चलते विषयों में लगी हुई थी, लेकिन जब उस जीव पर गुरु भगवत कृपा हो जाए और उन इंद्रियों से, उन इंद्रियों की चित्त वृत्ति, उन इंद्रियों की वृत्ति जब कृष्ण में लग जाए, तो उसी इंद्रियों के मंथन के द्वारा क्या प्राप्त होता है? भक्ति की महक आती है। जैसे अज्ञान का जब भगवान ने स्वीकार किया तो वो ज्ञान में परिवर्तित हो गया। क्यों चेंज क्यों कर रहे हो आप, बदल क्यों रहे हो बार बार, इको बढ़ गया ज्यादा। शिवल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। तो वो पूरी भक्ति की महक पूरे ब्रजमंडल में सुवासित हुई। भगवान ने सर्वप्रथम ब्रजवासियों के अज्ञान को निवृत्त किया। ध्यान दीजिए इस विषय पर, जब हम कोई सेवा करते हैं, हमारे द्वारा जो की जाती क्रिया उसको सेवा कहा जाता है। ठाकुर जी के संबंध में आप जो करते हैं उसको लीला कहते हैं। हम जब सेवा करते हैं तो सेवा में भी कुछ भाव का विचार करते हैं। जब भाव के साथ की हुई क्रिया उसको ही तो सेवा कहते हैं। भावो भाव न या सिद्ध। तो जो भी आप सेवा करते हैं उसके साथ आपकी कुछ भावना मिली हुई है। बिना भावना के सेवा संभव ही नहीं है। उसी प्रकार से जब ठाकुर जी जो लीला करते हैं तो उसमें भी आप कुछ भाव का विचार करते हैं। हमने जो सेवा की उसमें भाव का विचार किया, ठाकुर जी जो लीला करते हैं उसमें ठाकुर जी भी ये भाव का विचार के अज्ञान की निवृत्ति करी, अज्ञान को दूर किया। पूतना उद्धार के बाद आगे प्रियजनों
दशम स्कंद के सातवें अध्याय के अंतर्गत शकट भंजन लीला और तृणावत संहार लीला का वर्णन किया गया है। श्री महाप्रभु जी कारिका में आज्ञा करते हैं, ततोप्य लौकिकम लोके विशेषासक्ति बोधकम सप्तमे त्रिविधम प्राह शकटोत् पाटनादिकम। आप श्री समझा रहे हैं कि जब भगवान ने देखा कि पूतना वध लीला से यशोदा जी की जो मुझ में आसक्ति होनी चाहिए, भक्तों की जो मुझ में आसक्ति होनी चाहिए वो अभी तक इतनी ही है, आगे बढ़ी नहीं है। ठाकुर जी ने विचार किया कि जो इतनी ही आसक्ति रहेंगी तो ये भक्त मेरे आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पूतना के वध के बाद 3 मास बीत चुके थे, 3 महीने हो गए। अब पूतना वध से आसक्ति जुड़ गई, लेकिन प्रभु ने विचार किया कि इनकी विशेष आसक्ति, श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये शकटासुर, ये तृणावर्त, ये लीला के द्वारा आप भक्तों में विशेष आसक्ति कराने के लिए आपने ये लीला की है। तो भक्तों की जो अंदर शिथिलता आ गई थी वो शिथिलता दूर करने के लिए, जैसे हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है, ब्रज में वास कर रहे हैं, भगवत कथा का अनुसंधान कर रहे हैं, आसक्ति प्रबल हो जाती है, भाव के उभरे आने लग जाते हैं, लेकिन फिर वापस जब घर में जाते हैं थोड़ा समय निकल गया तो वापस आसक्ति धीरे धीरे, वो जो उत्साह वो जो था धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं प्रियजनों, ये ठाकुर जी हमारी विशेष आसक्ति उनमें लगवाने के लिए ही आप लीला करते हैं। हम पुष्टिमार्गीय वैष्णवों का ये सहज ये मानना है और ये सनातन सत्य है कि कर्ता कार्यता श्री हरि ही, जो कुछ भी हो रहा है श्री उनके करने वाले श्री ठाकुर जी हैं, कर्ता आप हैं। यानी हमारे जीवन में भी जो घटनाएं घट रही हैं उसके कारणभूत आप ही हैं। यानी जीवन में आपके अनुकूल घटना घटे या आपके प्रतिकूल घटना घटे, अब जैसे शकट भंग हुआ तो प्रतिकूल घटना ही कही गई ना। अब देखिए हुआ क्या, अब थोड़ा लीला का हम चिंतन अनुसंधान करें, आप देखें जब भगवान के निष्क्रमण करने का जब समय आया और उस निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत यशोदा जी भक्त सर्वप्रथम बालक को बाहर ले गए यमुना जी के तट पर, वहां पे यमुना जी का पूजन किया। बालक को सर्वप्रथम घर से बाहर ले जाना है, ये निष्क्रमण संस्कार, ऐसे अनेक 16 संस्कार तो विशिष्ट रूप से हमारे यहाँ पे बताए गए हैं, लेकिन अब आजकल तो उन सब संस्कारों का हमें स्मरण नहीं रहा, बस एक ऐसा एक संस्कार बचा हुआ है उसमें हम बड़ा ढोल नगाड़े बजाते हैं, वो है विवाह संस्कार। बड़े उत्साह से और बड़े व्यापक रूप में उस संस्कार को हम निभाते हैं, बाकी उसके अलावा भी अन्य कई संस्कार हैं शास्त्रोक्त, उसमें से एक है निष्क्रमण संस्कार। तो बालक को बाहर ले गए, यमुना जी का पूजन किया और फिर उसी समय भगवान के प्रागट्य का रोहिणी नक्षत्र भी आया। यशोदा जी ने कन्हैया को दूध पिलाया, देखे कि लालन सो गए तो वहां पे शकट के नीचे उनको लिटा दिया और उनको लिटाकर यशोदा मैया मेहमानों की आगता स्वागता में लग गई। अब उस समय हुआ क्या, ठाकुर जी ने नेत्र खोल के देखे, देखिए प्रभु ने नेत्र क्यों बंद किए थे, श्री महाप्रभु जी ने वहां पे भी रहस्य उसका गूढ़ार्थ प्रकट किया कि वहां पे ये जो पूजन करने के लिए ये जो वेद पाठी जो ब्राह्मण वहां पर आए थे, उन वेद पाठी ब्राह्मणों की ज्ञान शक्ति का हरण करने के लिए आप निंद्राशील हुए थे। अब जो उन पंडितों की ज्ञान शक्ति का आप हरण नहीं करते तो फिर वह बालक को वह कृष्ण को ये वेद पाठी ब्राह्मण आशीष उनको आशीर्वाद कैसे देते।
तो इसलिए आप निंद्राशील हुए। लेकिन भगवान के निंद्राशील होने के चलते क्या हुआ, ब्राह्मण तो ज्ञान शक्ति से रहित हुए लेकिन समस्त वहां पे जितने भी लोग थे उन सबके ज्ञान शक्ति का हरण हो गया। जब ठाकुर जी मुख मोड़ लें, नजर मोड़ लें, तो वो जीव फिर अज्ञान में भटक जाता है, अंधकार में भटक जाता है। अब सबकी ज्ञान शक्ति का हरण हुआ तो हुआ क्या कि शकट को नीचे पधरा दिया, शकट के नीचे लालन को पधराए और मेहमानों की आगता स्वागता में उत्सव मनाने में ये लोग मशगूल हो गए। प्रभु ने मन में विचार किया कि यह मेरे लिए उत्सव मना रहे हैं लेकिन मुझको ही नीचे छोड़ दिया, मुझको भूल गए। विधि विधानों में इनकी आसक्ति प्रबल है तो उन आसक्ति को हटाने के लिए, यशोदा मैया को अपने पास में बुलाने के लिए, सबका ध्यान केंद्रित करने के लिए आप शिशुवत रोने लग गए। रोए रोए लेकिन यशोदा मैया उनका रोना सुने नहीं। प्रभु ने सोचा कि अब वाणी की अपेक्षा कर्तव्य प्रबल है तो अब तो कुछ कर्तव्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो रोते रोते सहज में आपने क्या किया, अपने चरणों को आप उछालने लग गए। चरणों को उछालते उछालते आप रोने लगे और चरणों का जहां स्पर्श वह शकट को हुआ, स्पर्श होते ही वह शकट ऊपर आकाश की ओर गया और सीधा नीचे धड़ाम होकर गिरा। ये जानबूझ के आपने ये लीला करी कि वहां पे जो ग्वाल बाल के भरोसे जो कन्हैया को छोड़ के गए थे तो उन बालक को देख के यही लगे कि ये शकट भंग करने में लाला को कोई ज्यादा श्रम नहीं लेना पड़ा। इसलिए रोते रोते सहज पांव को उछालते उछालते आनुषंगिक यानी एक कार्य करते करते दूसरा कार्य भी हो जाए। रोते पांव उछालते शकट का स्पर्श हुआ, शकट भंग हुआ। श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि ये शकट भंग लीला के द्वारा विसल बज रही है, ब्रजवासियों की आसक्ति सब जगह से हटा करके ठाकुर जी ने अपने में केंद्रित की है। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और इसको समझने का प्रयास करें। शकट यानी क्या है, शकट यानी जीवन, और ये जीवन के ऊपर के हिस्से में यानी महत्वपूर्ण हिस्से में हम भौतिक पदार्थों को रखेंगे, रस सामग्री को रखेंगे और ईश्वर भगवान को नीचे रखेंगे तो फिर भगवान कहते हैं ऐसे शकट को मैं लात मारता हूं। प्रभु कहते हैं कि मुझसे विशेष रस और कौन सा है इस जगत में, मैं ही तो सबको मूल हूं। और उस शकट के उस रस में क्या रखा हुआ था कि मेहमानों के आता स्वागता में जो उपयोग में आने वाली जो सामग्रियां थी, यानी आपने उन सामग्रियों को नष्ट कर दिया, शकट का भंग किया। कहने का तात्पर्य यह है प्रियजनों कि जब हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी प्रतिकूल घटनाएं घटें, अप्रिय घटनाएं घटें, या जीवन में कहीं कुछ ऐसी या बड़ो परेशान कर दियो देने दो, ओ माइक वाले बहुत परेशान कर दियो देने। जब जब हमारे जीवन में प्रतिकूल घटनाएं घटें, अप्रिय घटनाएं घटें, तो मन में ये भाव ये स्थिर होना चाहिए कि इस ये जो करने वाले, ये कार्य होने वाला, कराने वाले, ये सब ईश्वर ही हैं, ठाकुर जी हैं, और ये अप्रिय घटना भी घटी है तो इसमें भी कुछ ठाकुर जी की ही इच्छा है कि मेरी जो आसक्तियां बढ़ गई हैं अन्य स्थानों पर, उन आसक्तियों को हटाने के लिए ही आपने शकट भंग किया है। यानी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटें, अप्रिय घटना जीवन में नुकसान हो जाए, इस अर्थ में भी आप इस प्रसंग को समझ सकते हो। नहीं सर, सेटअप हो रहा है सही।
श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री कृष्ण कन्हैया। थोड़ा सा श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यानी इस अर्थ में भी इस लीला को हम समझ सकते हैं कि जब जीवन में कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसा नुकसान, तो हमारी लौकिक आसक्तियों को हटाने के लिए, हमारे चित्त को आप में लगाने के लिए ही आपने ये लीला की है। ये शकट भंग लीला का ये रहस्य है। सब लोग आए, ठाकुर जी को गोद में लिया, सबकी आसक्ति प्रभु में हुई। ठाकुर जी का तो कार्य ही यह है, कर्षयति इति कृष्णः, जो अपनी ओर खींचे वो कृष्ण कर्षयति। अवतार काल में अब भगवान अपने स्वरूप से, स्वरूप बल से भक्त के मन को आकृष्ट करते हैं, और अनवतार काल में ये जो भगवान के जो अलौकिक चरित्र हैं, श्री महाप्रभु जी सुबोधनी में आज्ञा करते हैं कि ये शकट भंजन लीला, इस लीला का श्रवण, इस कथा का श्रवण, इस लीला को अर्थ के साथ समझने से हमारी लौकिक आसक्तियां भी नष्ट होती हैं। तो अनवतार काल में ठाकुर जी के ये लीला रहस्य, प्रभु की यह लीला, ये कथा के श्रवण से हमारी लौकिक आसक्तियां प्रभु में से जो च्युत हो चुकी हैं, हट चुकी हैं, वह आसक्ति पुनः श्री ठाकुर जी में लग जाती है। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्यमने महारानी की जय। लौकिके नानपि भावेन यावत् कृष्णैकतानता तावन्नूतनकृत्यानि न करोति हरि स्वयं। श्री आचार्य चरण कारिका में लिख रहे हैं कि भगवान अपने में आसक्ति कराने के लिए आपने यह लीला की। जब तक यशोदा आदि की लौकिक भाव से श्री कृष्ण में आसक्ति थी, तब तक भगवान ने अन्य लीला नहीं की। और प्रभु ने विचार किया, जो प्रपंच विस्मृति जो भगवान ने कराई थी, कदाचित वो स्थिर न हो पूतना वध के द्वारा, तो उस विस्मृति, उस भाव को स्थिर करने के लिए आपने दूसरे वर्ष में ये लीला की, तृणावर्त की। भगवान समय समय पर ये कार्य, ये लीलाएं करते हैं। जैसे छठे दिन पूतना आई, फिर 3 मास की बात आई, फिर 2 वर्ष के बाद की लीला। तो यहां पे ये प्रश्न हो सकता है कि क्या इस बीच में भगवान ने लीलाएं की नहीं है? तो श्री महाप्रभु जी उसका खुलासा करते हैं कि भगवान जो भी लीलाएं करते हैं, उसका कारण है कि भक्त की आसक्ति मुझ में हो जाती है। और आप देखते हैं कि जब तक भक्त की आसक्ति बनी हुई है, तब तक आप अन्य कार्य नहीं करते, लेकिन देखते हैं कि जहां पे लौकिक आसक्ति बढ़ती जा रही है, फिर वहां पे आप अन्य लीलाएं करते हैं कि जिससे उसकी लौकिक आसक्ति की निवृत्ति हो। इसलिए समय समय पर, छठे दिन लीला की, 3रे मास पर ये सकटासुर का उद्धार किया, फिर तृणावर्त का आपने उद्धार किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकदारोह मारूढ़ लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशुर गोढ़ुम नसे हे गिरिकूटवत। एक दिन की बात है, यशोदा जी के गोद में लालन, लेकिन अचानक ही देखते देखते इतने भारी हो गए, मानो यशोदा जी का ऐसा अनुभव हुआ कि कोई भारी चट्टान, गिरिकूटवत, भारी शिला आपने उठा ली हो। मां सोचने लगी, या तो मेरे पुत्र का वजन बढ़ गया, या तो मुझ में उसको उठाने का सामर्थ्य नहीं रहा।
तब यशोदा जी ने क्या किया, भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भार से पीड़ित विस्मित यशोदा माँ ने लाला को भूमि पर पधरा दिया और उस समय तृणावर्त आंधी के रूप में आया और भगवान को उड़ाकर ले गया। श्री आचार्य जी सुबोधनी में आज्ञा करते हैं कि यशोदा जी की जो प्रभु में, प्रभु के अलौकिक स्वरूप में जो स्नेह है वह लौकिक है। भगवान का स्वरूप अलौकिक है और वो अलौकिक स्वरूप न जानते हुए लौकिक भाव से, स्नेह से ये ठाकुर जी की भक्ति करती है, लौकिक बालक समझकर करती है। तो इस लौकिक भाव की निवृत्ति करने के लिए आप श्री ठाकुर जी भारी हुए हैं। यशोदा जी का ठाकुर जी में प्रेम तो है लेकिन उनके अलौकिक स्वरूप को अभी वो जाने नहीं है। देखिए हमने पूर्व में बात की थी कि ये प्रमाण प्रकरण है, यानी भगवान यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं कि मैं कोई सामान्य बालक नहीं हूं। प्रकाशकार श्री पुरुषोत्तम जी इस विषय पर कहते हैं कि भगवान का जो देह है वो प्राकृत नहीं है और इस विषय को समझाने के लिए एक ही काल में भगवान गुरुत्व यानी भारी भी हुए और लघुत्व यानी हल्के भी हो गए। लौकिक बालक में ऐसी अवस्था देखी नहीं जाती कि एक ही पल में भारी हो जाए और एक ही पल में हल्का हो जाए। तो भगवान ने ये लीला करके ये बताना चाहा यशोदा जी को कि मैं कोई प्राकृत शिशु नहीं हूं। यानी श्री ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, आनंद मात्र कर पाद मुखोदरारी। पुराण कहते हैं भगवान का स्वरूप कैसा है, आनंद मूर्तिम आनंद स्वरूप है। उपनिषद कहते हैं भगवान का स्वरूप कैसा है, आनंद रूपम अमृतम विभति। भगवान आनंद रूप और अमृत रूप से प्रकाशित हैं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, न लौकिक प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम। देखो ठाकुर जी का स्वरूप लौकिक नहीं है और ठाकुर जी में लौकिक भावना भी नहीं रखनी चाहिए। प्रभु में लौकिक भावना रखने का मतलब क्या है, ठाकुर जी की सेवा करें और सेवा करने के पश्चात मन में हे प्रभु कृपा कर दो, थोड़ा सा ये कार्य हो जाए, ये विघ्न दूर चले जाए, ये कार्य हो जाए, इसको ये कार्य सफल हो जाए या इसको बेटा हो जाए, मेरी एक ये काम सफल हो जाए, ये जो सब विषय है, ये सब जो बातें हैं, इसको लौकिक भाव कहा जाता है। और ठाकुर जी का स्वरूप लौकिक नहीं है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं न लौकिक प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम। न ठाकुर जी का स्वरूप लौकिक है, न आप लौकिक बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी ये जीव का अज्ञान है कि ठाकुर जी के आगे रोता है और अपनी लौकिक बातें ठाकुर जी के आगे कहता है और उसके निवारण करने के लिए विनती करता है। अरे भगवान तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी समस्ता नाम, उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में जो विचार आते हैं उसके पहले ही वो जान जाते हैं। इसलिए कहा ना दयाराम भाई ने कि हरि पासे कई न मांगो, मांगे पछतावो थाए, उदासी आवे नाथने ने व्यापार सरीखु गणाए। प्रभु के पास कुछ मांगना नहीं चाहिए। निष्काम भक्ति अहेतु की प्रीति ये आवश्यक है प्रियजन, क्योंकि न ठाकुर जी लौकिक है, न लौकिक बातों को जानते हैं। और यशोदा जी का जो कृष्ण में जो प्रेम है, प्रेम है लेकिन कैसा, लौकिक, लौकिक स्नेह है। तो आपने अपने स्वरूप का ज्ञान करवाने के लिए आप भारी हो गए, अप्राकृत स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए भारी हुए। उसी समय यशोदा जी ने भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भार में तृणावर्त के रूप में असुर आया, ऐसी आंधी चली ऐसा भवंडर ब्रज में, और उस भवंडर यानी ऐसी आंधी, गोल गोल आंधी, उसमें बड़ी बड़ी भारी चीजें भी उड़ जाती है। ऐसा भवंडर कुछ दिखाई ना दे सामने, होता है ना भवंडर कैसा होता है। तृणावर्त आया और कृष्ण को उड़ाकर ले गया। भगवान ने तृणावर्त को पकड़ा, आपने तृणावर्त का उद्धार किया, तृणावर्त शांत हुआ।
देखिए ध्यान दीजिए, ये तृणावर्त ऐसा नहीं सोचना कि उस समय अवतार काल में आया था, आज भी ऐसा तृणावर्त। तृणावर्त आने के तीन द्वार हैं, ध्यान दीजिए। त्रिविधम नरकस्येदम, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभः तस्मात् तत्त्रयम् त्यजे। आत्मा का घात करने वाले नरक, नरक यानी क्या? दुख। हमारे यहां पे नरक और स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब है सुख, नरक का मतलब है दुख। तो जीवन में दुख आने के द्वार कौन से हो गए? त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध और लोभ। आज भी ऐसी कामनाओं की आंधी भवंडर चल रहा है, ये काम वो काम, ये करना वो करना, आज काम काल काम, ये काम तो जीवन भर प्रियजनों चलते रहेंगे। कई लोग कहते हैं ना समय नहीं मिलता, पूछते हैं आप घर में वार्ता जी पढ़ते हो सत्संग? मन तो होता है लेकिन समय नहीं है, समय नहीं है। कामनाओं का ऐसा भवंडर है कि उस भवंडर में, जैसे भवंडर में सामने वाले कौन खड़ा है उसको हम देख नहीं पाते, यानी ये कामनाओं का ये जो भवंडर है उसके चलते जीव अपने आत्मस्वरूप को जान नहीं पाता। वो प्रसंग आता है ना बनिए का, यही से गिरिराज जी की तरेटी में तिलक विलक धारण करके वो धोती उपड़ना और दुकान में बैठ जाए, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, याद है ना प्रसंग आपको? सूरदास जी ने देखा, चल दर्शन करवे। अरे अभी तो दुकान खोली, अभी कैसे आ सकू? और पाछे बोले ऐसो मीठो मीठो, अरे बड़ी कृपा करी आप सूरदास जी, परम भगवती आज हमारी दुकान पे पधारे, मेरे परम भाग्य ऐसे परम वैष्णव पधारे, अरे इतनो ही भाव वालो है तो चल ठाकुर जी के दर्शन करवे तो चल। लेकिन दर्शन कर, अरे आप तो सब जानते हो अभी समय नहीं है, अभी मैं विशिंगार में आऊंगा, विशिंगार में तो अभी समय नहीं है, राजभोग में दर्शन तो राजभोग के भी खुलेंगे तो राजभोग में, तो अब तब भी समय नहीं है बुलाने आए। उत्थापन शयन दो तीन दिन तक चलता रहा, ऊपर ऊपर से आडंबर कर रहा था। सूरदास जी ने देखा अभी ऐसा नहीं मानेगा, चल रहा है कि नहीं, कि सबको बता दूं तेरे अंदर रही हुई भावना, नहीं नहीं चलो चलो। और फिर वो बनिया सूरदास जी की कहानी से शिनाज जी के सन्मुख हुआ, और सन्मुख होते ही आप जानते हैं प्रसंग आपने पढ़ा हुआ है, कर्ष यति ऐसा कर्षण किया, ऐसा खींचा ठाकुर जी ने, क्योंकि था तो देवी जीव लेकिन कामनाओं के भवंडर में फंसा हुआ ये जीव। लेकिन जब कामनाओं के भवंडर में फंसा हुआ जीव, जब कोई भक्त उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो भवंडर से बाहर निकल जाता है। भक्त के हाथ हैं, जो आपने उनके हाथों को पकड़ लिया, 252-84 वैष्णवों का संग कर लिया, तो फिर आप ये भवंडर में नहीं फंसोगे। तो कृष्णदास वासुदेवदास छकड़ा ने, आप प्रसंग याद करो वार्ता जी में कितने सुंदर ये इन बातों का प्रमाण करते हैं, इन विषय का कितने सुंदर प्रसंग आते हैं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं जाको भगवती हाथ पकड़ ले वाके भाग्य की का सराहना करें, और यहां तक कह दियो कि अभी तक तो तू अभिमान में छको रहे, तो अब तो तू ठाकुर जी के रस में छको रहेगो, या लिए तेरो नाम छकड़ा वासुदेवदास। यानी जब भगवतियों का हाथ वो हमारे हाथ को पकड़ ले तो वो फिर भवंडर से बाहर निकाले। सूरदास जी की ऐसी कृपा हुई, ठाकुर जी की शरण में वो बनिया आया, और अब तो ठाकुर जी की कृपा दृष्टि होते ही ऐसा उसका मन का आकर्षण किया, चित्त वृत्ति उसकी ठाकुर जी में लग गई, निरोध अवस्था को प्राप्त हो गया। छाप तिलक सब छीनी मुसे ने ना मिलाए, छाप तिलक सब छीनी, ये दो लाइन है, मुसने ना मिलाए। जब ठाकुर जी की कृपा दृष्टि हो जाए तो जीव की क्या स्थिति बने?
छाप तिलक सब छीने छाप तिलक सब छीने उसने ना मिलाए गे छाप तिलक सब छी कर शयति कृष्ण तुम उनकी शरण में तो आ जाओ वो तुम्हारे मन का दर्शन करेंगे जो जीव हरि गुरु वैष्णव के सन्मुख में रहे ठाकुर जी की शरण में रहे ठाकुर जी बापू वो भवंडर में फंसे नहीं रहे बाकी मन को खींच के रखे यही लिए तो ठाकुर जी की मुट्ठी बंद है ना एक तो ऊपर उठो वो हाथ बुला रहे हैं अपन को पास में और बुला के अपने मन को खींच के दूसरी मुट्ठी बंद है श्रीनाथ जी की ये आप देखो ठाकुर जी के श्रीनाथ जी के दर्शन करो ये मुट्ठी बंद यानी भक्तों के भावों की रक्षा करते हैं मुट्ठी बंद रखकर और माया को अंगूठा दिखाते हैं छाप तिलक सब छीन ले मोसने ना मिलाए के बल बल जा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिझवा बल 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 जाऊं मैं तोरे रंग रिझवा छाप तिलक सब छीन ले उसने ना मिलाए के ठाकुर जी के नयन कैसे हैं मोहन नैना आपके नौका के आधार मोहन नैना आपके नौका के आधार जो इनमें बस गए सो हो गए भवते पार मधुराधिपते गोपिया कहती है प्रभु आपके ये नयन और वो कटाक्ष नेत्र से ही तो आपने हमारा मन का दर्शन किया है आपके ये नयन तो चोर हैं हमारे मन की चोरी करने वाले बाकी तो चोरी होती है सब लोगों को पता चलता है लेकिन ये आपने तो ऐसे हमारे मन की चोरी करी है क्या बताएंगे ऐसे प्रभु के नेत्र सुंदर नयन और जहाँ पे कृपा दृष्टि पड़ जाए फिर बाकी तो छाप तिलक सब छीन छाप तिलक सब छीन ले उसने नाम कैसे है नयन प्रेम घटी का मधवा पिलाए के प्रेम भटी का मधवा पिलाए के प्रेम घटी का
प्रेम घटी का मधुवा पिलाई के प्रेम भटी का मधुवा पिलाई के मतवारी कर दी रे मोसे नैना मोसे नैना मोसे नैना मोसे नैना मिलाई के मतवारी कर दी से ना मिलाए के छाप तिल के सब छीन मोसे ना मिलाए छाप तिल के सब छीन रे मोसे ना मिलाए के खुसरो निजाम के खुसरो निजाम के बल बल जइए खुसरो निजाम के बल बल जइए। मोहे सुहागन कीन रे मुसने ना मिलाए के छाप तिलक सब छीन रे मुसने ना मिलाए के छाप तिलक सब छीन ले मोसे नैना मिलाए के नैना मिलाए के मोसे नैना मिलाए के नैना मिलाए के नैना मिलाए के मोसे नैना मिलाए के मुसने ना मिलाई के खुसरो बाजी प्रेम की खुसरो बाजी प्रेम की जो मैं खेली के संग जीत गए तो पिया मेरे और मैं हारी तो पी के संग मुसे नाम लगे मुसे नाम मुसे नाम लगे मुसे नाम
मोसने ना मिलाए मोसने मोसने ना मिलाए मोसने ना मिलाए मोसने ना मिलाए मोसने ना मिलाए अपने से कर दी सुहागन की ने रीमों से ने नाम लाए के श्री गोवर्धन नाथ की जय भक्तिर ज्ञानम तथा पूर्णम विस्मयश्च ततः परम जातो लोकीक भावस्य दृढत्वादिति रूपये प्रभु की एक एक लीला यशोदा जी अन्य भक्तों की आप में आसक्ति कराने के लिए तृणावर्त का आपने उद्धार किया। एक दिन की बात, आनंद स्नेह से भरी हुई श्री यशोदा जी लालन को गोद में बिठाकर उनको दुग्धपान करा रही थी और उस समय क्या हुआ, भगवान ने जम्हाई ली, तब यशोदा जी ने प्रभु के मुखारविंद में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए, दर्शन करवाए। आप श्री आचार्य जी कारिका में लिखते हैं, असंभावना दोष निवृत्त्यर्थम। अपने भगवत धर्म की आसक्ति कराने के लिए कि मैं भगवान हूं और मुझ में सब कुछ है, मुझ में सब कुछ करने का सामर्थ्य है, इसलिए मैं लीला करता हूं, उसमें किसी भी प्रकार का विस्मय संशय नहीं करना चाहिए। असंभावना दोष निवृत्त्यर्थम, अर्थात जैसे पूर्व में ये तृणावत सक्तासुर आदि का जो उद्धार, पूतना का उद्धार जो भगवान ने किया, तो इन सब कार्य के चलते यशोदा जी के मन में एक ये भाव जागृत हो गया कि देखो कितनी कितनी विपदाएं आई, लेकिन मेरे कुछ ऐसे प्रारब्ध होंगे, मेरे किए हुए कुछ ऐसे सत्कर्म होंगे कि जिसके चलते ये विपत्ति आई और चली गई। तो भगवान अपने मुखारविंद में ब्रह्मांड के दर्शन करा के इसमें असंभावना जैसा और कुछ नहीं है। साधारण जीव अपने जीवन में होती हुई घटना, सदकार्य, उसको अपने प्रारब्ध पुण्य कर्म का उसको फल रूप में देखता है, लेकिन एक भगवत भक्त, एक वैष्णव, उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उसको कृष्ण के प्रसाद के रूप में देखता है कि जो भी हो रहा है ये कृष्ण कर रहे हैं। अरे याकू बचावे के लिए लाखों रुपया खर्चे, डॉक्टर बहुत अच्छो थो, वाने याकू बचा लियो, अरे वाने नहीं बचाए, बचाए वाले तो ठाकुर जी हैं, वो तो एक निमित्त बनो हैं। ये जो होता है ना, हम जो क्रेडिट, जो श्रेय है, कई बार चीजें ऐसी, अरे ये कार्य को सफल करने के लिए बड़ी मैंने मेहनत करी, पूरी एडी की चोटी लगाई, तब जाके ये कार्य में मैं सफल हुआ हूं। अरे तू क्या सफल हुआ है, सफल करने वाले ठाकुर जी हैं तुझको। ये भाव, क्योंकि ब्रह्मांड के दर्शन करवाना इसका मतलब कि जो भी कुछ है सब मुझ में है, मैं ही करने वाला हूं, यानी अपने पुरुषार्थ, अपने कर्म या अपने प्रारब्ध को श्रेय न मानना चाहिए, न अपने भाग्य के बारे में कहिए मेरे ऐसे भाग्य होंगे। यहां तो वैष्णव का भाग्य सौभाग्य तो श्री यमने जू देनी, साधारण जीव का भाग्य उसके कर्म के आधार पर उसको मिलता है, लेकिन भगवदीय वैष्णव के भाग्य का निर्माण तो यशोदा यमुना जी, श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी स्वयं उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। यानी अपने जीवन में जो भी प्रियजनों घटनाएं घटे,
ये वाने नहीं बचायो। जैसे प्रसंग में आवे न कि ये तेने मुकु जीवायो वार्ता जी आती, आप सब तो सत्संग करते हैं। श्री ठाकुर जी नाराज हो गए, अप्रसन्न हो गए। जीवावे वालो करी रक्षा गर्भ में तेरी, सबकी रक्षा करवे वाले तो ठाकुर जी हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य सहित, अक्लिष्ट कर्म करने वाले आप स्वयं हैं। यानी भगवान ने ब्रह्मांड के दर्शन करा करके मैं जो भी लीला करूं उसमें विस्मय नहीं करना चाहिए। तो यह लीला के द्वारा भगवान ने यशोदा जी को भगवत धर्म का अनुसंधान कराया। अचानक से यशोदा जी ने पूरे विश्व को देखा तो कंपायमान हो गई। वो कंपायमान होकर आंखें बंद कर ली, क्योंकि पूर्ण रूप से अभी यशोदा जी के अंदर वह योग्यता सिद्ध नहीं हुई थी, अधिकार में अभी कमी थी। तो असंभावना दोष निवृत्त्यर्थम ये जम्भाई लीला, इसके पश्चात आगे नाम लीला आठवें अध्याय में। गर्गः पुरोहितो राजन् यदुनाम सुमुहात्पा ब्रजं जगानन्दस्य वसुदेव प्रचोदितम्। यदुवंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य जी वसुदेव जी की प्रेरणा से प्रभु के नामकरण करने के लिए नंदराय जी के ब्रज में पधारे। देखिए यद्यपि देखा जाए तो प्रभु के नामकरण संस्कार का समय तो बीत चुका था, लेकिन वसुदेव जी ने मन में विचार किया कि भगवान के नामकरण करने के लिए काल उसका अधीन नहीं है, आप तो काल के स्वामी हैं। इसलिए काल समय भले ही चला गया हो लेकिन प्रभु का नामकरण संस्कार होना चाहिए। हरेक संस्कार की कुछ अवधा कुछ समय होता है ना, अमुक समय अमुक कार्य थी जाए तो ही सारू कहवाए। पची प्रतीक्षा प्रतीक्षा करता जाओ, हजी सारो छोकरो गोती, हजी सारू मड़ी जाए, हजी सारू मड़ी जाए, पची समय निकली जाए। એટલે અમુક સમય ઉપર અમુક કાર્ય થઈ જવા જોઈએ। આજકાલના અમારા યુવાનો અરે અભી તો યે કામ કરે વો કામ કરે ઓર ફિર 35 35 38 38 40 40 સાલ ઉસમે નિકાલ દે ને હવે લગન હવે પછી લગનમાં પછી 40 ને 48 પછી મળે કોણ। એટલે હરેકની એની એની સમય એની અવધિ છે, એ સમય ઉપર એ કાર્ય થઈ જાય। અમારે શાસ્ત્રોમાં તો પૂરી ઇસકી ગણના બતાઈ ગઈ હૈ, અભી ઉસ વિષય પે મુજે જાના નહીં હૈ, લેકિન ये जो सब संस्कार हैं उसके समय पे हो जाने चाहिए काल में। आजकल तो ऐसी विडंबना, कोई भी संस्कार कोई भी काल में हो जाते हैं, अपनी सुविधा देखते हैं लोग, शास्त्र मर्यादा नहीं देखते। धर्म शास्त्र वो आसन है जिस पर ठाकुर जी विराजते हैं, शासनोति, जो शासन करे वो शास्त्र है, और शास्त्र पे जो शासन करे वो शास्त्री साष्टी कहलाता है। तो धर्म आचार विचार मर्यादाएं ये सब आसन हैं। यानी अमुक समय का विचार करते हैं, चातुर्मास का विचार करते हैं, हम ये सब चीजों को देखते हैं। लेकिन वसुदेव जी ने विचार किया भगवान के लिए कोई काल अवधि, क्योंकि आप तो काल के भी स्वामी हैं। गर्गाचार्य जी को प्रेरणा दी, आप गर्गाचार्य जी ब्रज में पधारे और प्रभु के दर्शन कर बड़े प्रसन्न हुए। नंदराय जी ने भी उनका आक्ता स्वागता किया, आप बड़े प्रसन्न हुए। गर्गो पुरोहितो राजन यदुनाम समुहातपा, नंदराय जी ने उनका स्वागत किया और कहा कि आप हमारे पुत्रों के नामकरण संस्कार करें, क्योंकि जन्मना ब्राह्मणो गुरु हो। नंदराय जी ने मन में विचार किया कि गर्गाचार्य जी का सामने से पधरावनी हुई है तो उनके द्वारा ही पुत्रों का नामकरण हो जाए तो ये सर्वोत्तम कहा जाएगा। लेकिन नंदराय जी सोचते हैं, मन में विचार किया कि इनको मैं विनती करूं लेकिन हो सकता है कि ये मना करें, क्योंकि ये तो यदुओं के ये तो कुलपति हैं, आचार्य हैं, तो ये हमारे नामकरण संस्कार कैसे करेंगे, हमारे कुल पुरोहित तो और हैं। तो इसलिए नंदराय जी ने क्या कहा, पहले से ही जन्मान जन्मना ब्राह्मणो गुरु हूं, ब्राह्मण जन्म से गुरु है, तो आप हमारे गुरु पधारे हैं तो नामकरण संस्कार करें।
दुर्गाचार्य जी का आने का प्रयोजन भी नामकरण ही था, लेकिन वह कार्य उनको गोपनीय प्रकार से करना था। और इसलिए आपने क्या कहा नंदराय जी को, यदुनाम अहम आचार्य, मैं यदुओं का आचार्य हूं, और जो मैंने आपके पुत्र के नामकरण संस्कार किए और ये बात इस विषय का ज्ञान जो कंस को पता चल गया तो उसकी क्रूर दृष्टि तो ब्रज में फैली हुई है, तो यहां गोकुल में कुछ घात कर सकता है। ऐसा करते हैं किसी को पता न चले, उस प्रकार से गुप्त रीत से हम नामकरण संस्कार करें। नंद राय जी सहमत हुए। नंद राय जी, यशोदा जी, रोहिणी जी अपने अपने पुत्रों को लेकर गौशाला में गए और वहां पर गर्गाचार्य जी उन पुत्रों को दर्शन करते हुए कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्तदे रामैति बलादिक्या बलम विदु। अयम ही रोहिणी पुत्रो, गौशाला में गए, रोहिणी जी के गोद में यशोदा नंदन थे और यशोदा जी की गोद में रोहिणी नंदन। गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी रोहिणी जी के गोद में जो बालक है, उसकी बार बार दृष्टि यशोदा जी की ओर जा रही है। बालक की एक चित्त वृत्ति, उसकी एक मनोवृत्ति रहती है, माँ के मुख चंद्र को निहारता रहता है, जैसे छोटा बालक माँ को ढूंढता रहे, माँ को देखता रहे, उसकी आंखें माँ को ही ढूंढती है। और फिर जब माँ गोद में ले ले तो ऐसे मंद मंद हास्य करे। तो रोहिणी जी भले यशोदा नंदन को गोद में लेकर है, लेकिन वो बगल में यशोदा जी खड़ी हुई है, यशोदा जी की ओर ही देख रहे हैं। और उनको देखते हुए गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी जी के गोद में ये जो बालक है, इसके तो अनेक रूप है, अनेक नाम है, बहुनी संति नामानी। गर्गाचार्य जी ने प्रागट्यम वसुदेवस्य क्वचित जातस्व आत्मजः वासुदेव इति श्रीमान अविज्ञा संप्रचक्षते। देखिए गर्गाचार्य जी ने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन संकेत में यहां पर एक बात और नंद राय जी को बता दी, प्राक क्वचित वसुदेवस्य जातः, हे नंद राय जी तुम्हारा यह पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के यहां पे भी उत्पन्न वहां पे प्रकट हुआ है। अयम तव आत्मजः, श्री महाप्रभु जी कारिका में कहते हैं, इससे ये तात्पर्य है कि पहले वसुदेव जी के यहां मथुरा में इसका प्रागट्य हुआ और भावात्मक रूप से नंदालय में ही आया है, लेकिन इस रहस्य को अविज्ञा हरेक कोई जान नहीं सकता, इसलिए इसका नाम श्रीमान वासुदेव इति संप्रचक्षते, इसको लोग वासुदेव भी कहेंगे क्योंकि ये वासुदेव का पुत्र है। यानी बता दिया कि ये वासुदेव जी का पुत्र है। अब गर्गाचार्य नंदराय जी ने जब ये बात को सुना तो नंदराय जी ने मन में सोचा कि हाँ, ये कभी पहले कोई जन्म में, क्योंकि हरेक के जन्म होते हैं, अलग अलग जन्म होते हैं, तो मेरे पुत्र ने पहले कोई जन्म में वसुदेव जी के यहाँ पे इसका जन्म हुआ होगा। लेकिन वो इस रहस्य को वो भी नहीं जान पाए कि ये पिछले कोई जन्म की बात नहीं कर रही है, अभी की बात हो रही है, इसलिए अविज्ञा हरेक को ये बात विषय को जान नहीं सकता। प्रत्येक युग में ये अलग अलग वर्ण से प्रकट होता है, लेकिन इस युग में ये श्याम कृष्ण वर्ण से ये प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रोहिणी के पुत्र को देख करके, ये रोहिणी का पुत्र इसलिए रोहिणी कहेंगे, ये सामर्थ्यवान होगा, अपने स्वभाव अपने प्रयास से पूरे परिवार को जोड़ के रखेगा, इसलिए इसका नाम राम, और इसके बल की भी कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए इसका नाम बलराम। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। यहां पे इस बात को समझना परम आवश्यक है, गर्गाचार्य जी ने आकर ये जो कृष्ण नाम, ये गर्गाचार्य जी ने नहीं दिया है, भगवान अनंत हैं, अनादि हैं, और जब से आप हैं तब से ही आपका नाम है, तो जो मूल जो प्रचलित जो आपके नाम थे उन्हीं नामों का उच्चारण किया है गर्गाचार्य जी ने, तो केवल जो पुराने आपके जो शाश्वत नाम हैं उन नामों का ही आपने स्मरण किया है।
यानी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण नाम ये गर्गाचार्य जी ने दिया है, नहीं। तो भगवान के ही नामों का स्मरण किया, नाम लीला का यहाँ पे वर्णन किया गया, उसके पश्चात आगे यहाँ पे रूप लीला का वर्णन किया गया है प्रियजनों। और रूप लीला के अंतर्गत प्रभु की रिंगण लीला, ठाकुर जी अब धीरे धीरे रिंगण जानू रिंगण करने लगे, नंदालय में घुटमन चल अपने दोनों घुटनों के बल हाथों के बकैया चार पांव से आप चलने लगे, तो वहां पे स्वरूप रूप लीला का वर्णन किया गया है। और उसी के पश्चात आगे प्रभु की माखन चोरी आदि लीला का वर्णन किया है, लेकिन अभी समय की प्रियजनों मर्यादा है, हम ये नाम लीला तक आज की कथा को यहाँ पे रखते हैं। कल प्रभु के रूप लीला के हम दर्शन करेंगे और आज की कथा को यही पे विश्राम दें। इसके पश्चात ठाकुर जी के आज सुंदर मनोरथ के उत्सव के दर्शन का भी हमें लाभ लेना है। तो आइए आज के यह द्वितीय दिवस कृष्ण कथामृत को विश्राम दें, उसके पहले सिर्फ दो मिनट भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय। गोविंद गोविंद गाइए रे भज, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे भज, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे भज, नंदा के लाल कृष्ण गाइए रे, नंदा के लाल कृष्ण गाइए रे, नंदा के लाल कृष्ण ओ भजो, नंदा के लाल कृष्ण गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो, नंदा के लाल कृष्ण गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, मुरली मनोहर गाइए रे माई गोपी, लाल की जय, शिवल्लभा देश की जय, श्याम सुंदर शिव श्री अम्मे महारानी की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। तरगत वचनामृत का श्रवण किया, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि गुरु वचनों को रखना संभाल कर एक एक वचन में घेरा राज है, गुरु वचनों को रखना संभाल कर और एक एक वचन में घेरा राज है। और जिसने गाई श्री वल्लभ की महिमा, जिसने गाई श्री वल्लभ की महिमा, उसका डूबा नहीं झाज है, उसका डूबा नहीं झाज है। बंधुओं, इसी के साथ कल
25 तारीख को काम वन के लिए प्रस्थान करना है तो काम वन में निधि स्वरूप के दर्शन 9 बजे खुल जाते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और आपको 4 बजे प्रातःकाल उठ जाना है। अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर आप ठाकुर जी भी जो है 5 बजे यहाँ पर पधरा जाएंगे और यहाँ से 6 बजे आपको प्रस्थान करना है। नाश्ता वाटर बोतल के साथ आपको बड़ा सुंदर नाश्ता जो है दे दिया जाएगा। अभी नाम नहीं बताऊंगा वरना आपको रात भर नींद नहीं आएगी। हेलो, बोलो गिरिराज धारानी की, श्याम सुंदर श्री अमले महारानी की, बल्लवाधीश नवो सामड़ो, वैष्णव सामड़ो, काले सवारा यात्रा आई थी 5:30 बजे काम मन मा गोकुल चंद्रमा जी ना दर्शन, श्री मदन मोहन जी ना दर्शन, विमल कुंड के पान, लिपसनी शिला, श्री महाप्रभु जी की बैठक, श्री कुंड के पान करके वापस मुकाम पे आएगी। सभी वैष्णवों को सूचित किया जाता है कल यात्रा यहाँ से 5:30 बजे काम मन में श्री गोकुल चंद्रमा जी के दर्शन, श्री मदन मोहन जी के दर्शन, विमल कुंड, विमला देवी के दर्शन, विमल बिहारी के दर्शन करके लिपसनी सिरापा लिपस के आगे श्री कुंड पर महाप्रभु जी की बैठक पर जारी संसद करके वापस मुकाम पे आएगी। सभी वैष्णव समय का विशेष ध्यान रखें, 9:00 पर राजभोग के दर्शन खुल जाते हैं, 10 मिनट दर्शन खुलते हैं उसके बाद बंद हो जाएंगे, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। 5:30 यानी 6 बजे तक हरालत में यहाँ से निकलना है, ये नहीं कि चाय पीते रह जाएं, फटाफट निकलो जिससे एक दर्शन कर जाएं। बोलो यमुना मैया की। रसाली का राजा वल्लभाधीश की जय। एक बार श्री महाप्रभु जी पृथ्वी की परिक्रमा करते करते श्रीमद गोकुल पधारे। वही समय श्री महाप्रभु जी ने दमला जी से कही, यहीं पर थकरानी घाट है, गोविंद घाट है, अपन कोई बतावे वालों नहीं है। वही समय श्री यमुना जी ने प्रकट होके कही, यहीं पर थकरानी घाट है और आप जहाँ ठहरे हो वहीं पर गोविंद घाट है। वही समय श्री महाप्रभु जी ने यमुना जी की स्तुति करी, नमामि यमुना महम सकल सिद्धिये तुम मुदा मुरारी पग पंकज स्मृत मंदरे नुटकटा। तो वैष्णव हमें नित्य शिव नाश्तक का पाठ करना चाहिए। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। होने जा रहा है बदरोला ब्रशभान की मही बिलोबन हार और जाकी बलिये देवता लीनी भुजा पसार। तो ऐसा हो आपने भी जो है वो बदरोला तो जो है ब्रशभान जी से छुपा छुपा कर माखन रखती थी, कीर्ति जी से छुपा छुपा कर रखती थी, आपने भी अपने मिस्टर से छुपा छुपा कर कुछ धन रखा हो तो उसे जो है गिरिराज जी के विनियोग कर सकते हैं। इसी प्रकार यमुना जी का कुनवारा है 28 तारीख को, आप भी जो है इसमें सहभागी बन सकते हैं। मैंने निवेदन किया था कि ग्वाल मंडली गोपाल जिमावे सो ठाकुर को सखा कहावे, तो आप भी सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रज यात्रा में आए हैं, वैष्णव को जो है इतने वैष्णव को अपने घर में तो उनकी झूठन पड़ नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर वो सौभाग्य आपको मिल सकता है।
आप जो है यहाँ पर वैष्णवों के प्रसाद की व्यवस्था करवा सकते हैं। इसी के साथ आज के हमारे दैनिक मनोरथी हैं भागवत के अवनी बेन सहा यूएसए, वे मंच पे पधारें और आप श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। अवनी बेन सहा यूएसए नंदगांव में तपेली के मनोरथी हैं रमेश भाई खाट मोरवी, इन्होंने बैठक जी पर तपेली करवाई थी। रमेश भाई खाट अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मंच पे आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। भारती बेन महेश भाई पटेल मुंबई, भारती बेन महेश भाई पटेल मुंबई, रसीला बेन रमेश भाई मेर, नैना बेन धनसुख भाई राजकोट, मुकाम पर देहली ग्रुप जिन्होंने मुकाम पर तपेली करवाई है, देहली ग्रुप जिन्होंने मुकाम पर तपेली करवाई है, हसुमती बहन एवं उनकी सहेलियां अहमदाबाद, हसुमती बहन एवं उनकी सहेलियां अहमदाबाद, कला बाबूजी कैलाश नारायण जी ठीकरिया, कला बाबूजी विचार क्यों कर रहे हो, नंद महोत्सव के मनोरथी देहली वैष्णव ग्रुप इंद्र कुमार जी महेश्वरी कानपुर, भारती बहन महेश भाई पटेल मुंबई, योगेश भाई गाजरिया मस्कट, योगेश भाई अपनी धर्मपत्नी जी सहित आवे, योगेश भाई अशोक जी गिरवेयर बियानी जलगांव, अशोक जी गिरवेयर बियानी जलगांव, इसी के साथ आप श्री वहां विराजेंगे, वहां चरण स्पर्श होंगे और अभी पलने के दर्शन करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। आप सभी पलने के दर्शन करेंगे और चरण स्पर्श करेंगे, वल्लभ कुल परिवार वहां पर विराजमान होंगे। भारती बेन पटेल
मैं बंबई बोल गया था, भूल सुधारे, ये यूएसए रहती हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसी के साथ परम भगवत ये चिमन भाई फलदू आरती करने के लिए यहां पर पधारे, एवं सुशीला बेन कोठारी, सोनल बेन बखारिया, गंगा भाई तापड़िया भी रुक जाओ दो मिनट, और अवनी बेन सहा यूएसए। एवं गंगाबाई तापड़िया, अवनीबेन सहा यूएसए। आज के नंदमहोत्सव के मनोरथी यमुना सखी मंडल मोरवी आशीर्वाद लेने के लिए मंच पे पधारे हैं। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे, आरती बाल श्री जसुदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन इन पे प्राण न्योछावर की जय, आरती बाल कृष्ण की बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कही कही बोलती मैया, परम मुदित मन ले यह छवि नैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण के जय। श्री राधा वर कुवर कन्हैया, व्रज जन को नवनीत खवैया, देखत ही मन नैन चुरैया, अपनो सर बसीन को दीजे, आरती बाल तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे, परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन, करत कृपा निज हस्त दे माथे, जे जन शरण आए रही सोपत श्री गोवर्धन नाथ, परम उदार चतुर चिंतामणि, राखत भवधारा
भयो जात भजो कृष्ण दास काज सब सरही जो जाने श्री विठल नाथ परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज करत कृपा निज करत कृपा निज हस्त दे माथे श्री वल्लभाधीश की श्री वल्लभाधीश।